हेलो बच्चों, क्या हाल है आपके। उम्मीद कर रहा हूँ कि सब लोग अच्छे से अपनी एडवांस की तैयारी कर रहे होंगे। और हमारी आज की डिस्कशन का टॉपिक है ऑप्टिक्स। इसमें हम लोग रे ऑप्टिक्स को फोकस करेंगे बच्चों, एंड बेसिक फॉर्मूलास उम्मीद करता हूँ कि सबको याद होंगे। सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, और यहाँ कहीं जरूरत पड़ी मैं थ्योरी आप लोगों को बताता चला जाऊँगा। राइट, चलिए शुरू करते हैं। हमारे पास सबसे पहला क्वेश्चन आ रहा है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन से हम लोग शुरुआत करने वाले हैं। हमारे पास एक क्यूबिकल रूम दिया हुआ है जिसमें 6 प्लेन मिरर्स लगे हुए हैं। सो सिचुएशन इज लाइक दिस, वी हैव अ क्यूबिकल रूम जिसमें 6 तरफ प्लेन मिरर्स लगे हुए हैं। राइट, और अब एक इंसेक्ट है जो कि फ्लोर के ऊपर डायगनली मूव कर रहा है। एन इंसेक्ट इज मूविंग डायगनली ऑन द फ्लोर, विच मीन्स दैट मैं ये कह सकता हूं कि एक इंसेक्ट यहाँ से चला और ये डायगनली इस तरफ पहुंच गया। क्वेश्चन में इसके आगे क्या दे रखा है, द वेलोसिटी ऑफ इट्स इमेज इन टू एडजेसेंट वॉल्स आर 20√2 सेंटीमीटर पर सेकेंड। दो साथ लगती दीवारें, ये पहली दीवार हो गई और ये भाई साहब हमारे पास दूसरी दीवार हो गई। इन दो दीवारों में यहाँ पे मिरर लगे हुए हैं। इन दो दीवारों में इंसेक्ट की वेलोसिटी कितनी दिखाई दे रही है, इट इज 20√2 सेंटीमीटर पर सेकेंड। इंसेक्ट इस पोजीशन से चल रहा है, ए पॉइंट से डायगनली बी तक पहुंच रहा है, और जो मिरर्स हैं उनमें हमें इसकी स्पीड कितनी महसूस हो रही है, इट इज 20√2 सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो मिरर मेरी तरफ है, इस तरफ है। जब इंसेक्ट ए से बी तक जाएगा तो इस दीवार में मिरर में इमेज ए पॉइंट से यहां तक मूव करेगी, यानी कि बी डैश तक। आप इसे ए डैश लिख लो, ए डैश से बी डैश तक ये इमेज मूव करेगी। इन द सेम वे यहाँ पे भी आप ये तरीके से ए डैश से ए डबल डैश लिख लो से बी डबल डैश तक मूव करेगी। ठीक है, इंसेक्ट फ्लोर के ऊपर चल रहा है, इंसेक्ट यहाँ से यहाँ तक जाएगा, इमेज इधर से इधर तक जाएगी। अगर मैं इस पार्ट को थोड़ा अलग से ड्रॉ करूँ तो बच्चों हमारे पास सिचुएशन ये हो जाएगी कि दिस इज वेलोसिटी ऑफ इंसेक्ट। ठीक है, तो इंसेक्ट ने कितना डिस्टेंस कवर किया था, ए बी, और इधर रूम में इधर ये कितना डिस्टेंस कवर हुआ है, साइड ऑफ रूम, ये है डिस्टेंस कवर्ड बाय इमेज। और ये जो ए बी है ये मेरे पास बच्चों क्या होगा, यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम दिस इज गोइंग टू बी √2a, इज दैट फाइन। तो यहाँ पर √2a डिस्टेंस एक्चुअली ऑब्जेक्ट ने कवर किया, जबकि मिरर में हमें इसकी स्पीड कितनी मिली बच्चों, मिरर में स्पीड मिली इसकी 20√2 v, I लिख लू इमेज, 20√2 सेंटीमीटर पर सेकेंड। क्लियर। अब सिंपल वेक्टर जब अप्लाई करना है तो मुझे बताइए कि ए से बी तक जो डिस्टेंस है वो √2 टाइम्स था, तो इसका मतलब ए से बी तक जो एक्चुअली इंसेक्ट की स्पीड होगी वो भी √2 टाइम्स होगी, जिसका मतलब एक्चुअल स्पीड ऑफ इंसेक्ट इज गोइंग टू बी 20√2 मल्टीप्लाई बाय √2, यानी कि दिस कम्स आउट 40 सेंटीमीटर पर सेकेंड। इट मीन्स दैट ऑप्शन बी शुड बी रिक्वायर्ड आंसर। क्या ये क्लियर है कि इंसेक्ट गया डायगनली फ्लोर के ऊपर, जबकि उसकी जो इमेज है मिरर के अंदर, प्लेन मिरर के अंदर सिर्फ इतनी ही मूव करेगी। तो ऑब्जेक्ट ने यानी कि इंसेक्ट ने ज्यादा डिस्टेंस कवर किया है, जबकि इमेज कंपैरिजन में कम डिस्टेंस कवर करेगी। तो मैं ज्यादा फिजिक्स अप्लाई नहीं कर रहा, ज्यादा कंपोनेंट वंपोनेंट लेके सॉल्व नहीं कर रहा, डायरेक्टली समझा रहा हूँ। राइट, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या है, वन एंड ऑफ द स्ट्रिप ऑफ ए प्लेन मिरर इज फिक्स्ड एंड द अदर एंड रेस्ट ऑन द टॉप ऑफ अ स्मॉल वर्टिकल रॉड। क्वेश्चन क्या है कि हमारे पास एक प्लेन मिरर है जिसके एक किनारे को फिक्स किया गया, ये किनारा फिक्स्ड है। यहाँ पर भाई साहब हमारे पास एक प्लेन मिरर है,
और इसके दूसरे किनारे को एक वर्टिकल रोड के ऊपर स्पोर्ट किया गया है, ठीक है। द लेंथ ऑफ द प्लेन मिरर स्ट्रिप इज 25 सेंटीमीटर, तो इस मिरर स्ट्रिप की लेंथ हमें 25 सेंटीमीटर दे रखी है। ए रे ऑफ लाइट इज इंसिडेंट ऑन द मिरर एंड रिफ्लेक्टेड फ्रॉम द मिरर एंड फॉर्म्स अ स्पॉट ऑन अ स्क्रीन 3 मीटर अवे फ्रॉम द मिरर। तो कहीं से भाई साहब एक लाइट, एक रे ऑफ लाइट आ रही है, ये यहाँ से रिफ्लेक्ट होके जा रही है और सामने हमारे पास एक स्क्रीन है और ये उस स्क्रीन के लिए, स्क्रीन के ऊपर इमेज बना रही है। स्क्रीन इज प्लेस्ड एट ए डिस्टेंस ऑफ 3 मीटर, राइट। सो दिस इज सिचुएशन। उसके बाद क्या कहा गया है, नाउ इफ द टॉप ऑफ द रॉड इज मूव्ड अपवर्ड, कितना मूव किया गया है 0.1 सेंटीमीटर, देन व्हाट विल बी मूवमेंट ऑफ द स्पॉट। ये स्पॉट बन रहा है बच्चों, जो इमेज बन रही है इसी को स्पॉट कहा गया है। अब क्वेश्चन में ये कहा गया है कि अगर हम लोग क्या मूव कर दें, अगर हम लोग इस रॉड को मूव कर दें बाय स्मॉल डिस्टेंस 0.1 सेंटीमीटर, यानी कि भाई साहब ये रॉड थोड़ी सी ऊपर चली गई है, इट इज डिस्प्लेस्ड थ्रू ए डिस्टेंस ऑफ 0.1 सेंटीमीटर, यानी कि जैसे ही ये रॉड ऊपर जाएगी वैसे ही ये मिरर भी ऊपर को शिफ्ट कर जाएगा, यही होगा, मिरर ऊपर को शिफ्ट कर जाएगा। अब जब मिरर ऊपर को शिफ्ट करेगा तो नेचुरली जो रिफ्लेक्टेड रे है भैया वो भी घूम जाएगी। और क्वेश्चन हमारा क्या है, व्हाट विल बी मूवमेंट ऑफ द स्पॉट, ये स्पॉट कितना मूव करेगा। तो अब ये भी घूम जाएगी, ठीक है, आपने इस तरफ मूव किया, डायग्राम में थोड़ी गड़बड़ हो गई है, जिस तरफ आपने मिरर को मूव किया है उसी डायरेक्शन में जो हमारे पास है रे मुड़ेगी। तो मैं उम्मीद करता हूं ये कुछ इस तरह से जाएगी, राइट। चलिए देखते हैं क्या होता है, ये एंगल हमें ढूंढना पड़ेगा, दिस एंगल इज थीटा, थोड़ा छोटा लिखा गया है, मेरे ख्याल से दिखाई देगा, काम चल जाएगा, दिस एंगल इज थीटा, फाइन। अब इस थीटा को कैसे लिखेंगे, थीटा इज इक्वल टू एल बाय आर, इस केस में एंगल रेडियन में आएगा। इस बार लेंथ ऑफ आर्क बच्चों कितनी हो जाएगी, 0.1 सेंटीमीटर, और मिरर स्ट्रिप की लेंथ कितनी है, 25 सेंटीमीटर, मिरर स्ट्रिप की लेंथ है 25 सेंटीमीटर, इट मींस दैट थीटा कम्स आउट 1/250 रेडियन, जिसका मतलब ये होगा कि जो एंगल जिसके थ्रू मिरर को घुमाया गया है वो एंगल कितना है, 1/250 रेडियन। जब मिरर को घुमाया गया तो ये रिफ्लेक्टेड रे भी टर्न करेगी, एंड दिस रिफ्लेक्टेड रे विल टर्न बाय ट्वाइस ऑफ द एंगल थ्रू विच मिरर इज टर्न्ड। मिरर को टर्न किया गया है थीटा से, तो रे विल टर्न बाय एंगल 2 थीटा, जिसका मतलब ये होगा बच्चों कि ये जो एंगल 2 थीटा कितना हो गया मेरे पास, 1/125 रेडियन। मुझे ढूंढना है कि ये स्पॉट कितना मूव करेगा, स्पॉट का ये डिस्प्लेसमेंट यानी कि ये लेंथ एल मुझे कैलकुलेट करनी है। तो मैं फिर से फॉर्मूला अप्लाई करूंगा, थीटा इज इक्वल टू एल बाय आर, इस बार थीटा की जगह मेरे पास क्या है, 2 थीटा, और एल मुझे ढूंढना है, और इस बार रेडियस कितना हो जाएगा, 3 मीटर, ये मीटर में लिख रहा हूँ, ठीक है। देखो आंसर जो है बच्चों वो सेंटीमीटर्स में दे रखा है, इसलिए मीटर को हमें सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, कोई शक कोई चिंता, ओके। अब इसको मैं रीअरेंज करता हूँ, एल की वैल्यू बन जाएगी 2 थीटा × 300 सेंटीमीटर, तो मेरी कैलकुलेशन सेंटीमीटर में आ गई है, 2 × 2 × थीटा, यानी कि ये मैं पहले लिख चुका था, चलो जो हो गया बढ़िया, ये कट गया 125, तो ये हो गया 300/125, तो ये मेरे पास 2.4 सेंटीमीटर बन जाना चाहिए, दिस इज गोइंग टू बी 2.4 सेंटीमीटर, राइट। एक चीज ध्यान रखना बच्चों, जब आप लोग स्टैंडर्ड थ्योरी पढ़ते हो तो स्टैंडर्ड थ्योरी में ये बात करते हो कि ये आपके पास था मिरर, आपने यहाँ पे रे इंसिडेंट की, रे रिफ्लेक्ट हुई, आपने मिरर को टर्न किया, मिरर को टर्न किया बाय एंगल थीटा, तो जो रे है वो भी टर्न कर गई, बट इट टर्न्स बाय एंगल 2 थीटा। जब आप स्टैंडर्ड थ्योरी पढ़ते हो तब आप
उसी पॉइंट से मिरर को घुमाते हो जिस पॉइंट पे रे ऑफ लाइट इंसिडेंट की जाती है, बट इसका एक्चुअली कोई लेना देना नहीं है। आप मिरर को किसी भी पॉइंट से रोटेट करोगे, किसी भी पॉइंट से टर्न करोगे इधर उधर, अगर आपने इसको थीटा एंगल से घुमाया है तो जो रिफ्लेक्टेड रे है इट विल टर्न बाय एंगल टू थीटा, राइट। तो हमारा आंसर बन गया है ए 2.4 सेंटीमीटर, ऑप्शन ए विल बी रिक्वायर्ड आंसर। चलें आगे। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारे पास ए पॉइंट ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट ए डिस्टेंस ऑफ 12 सेंटीमीटर ऑन द एक्सिस ऑफ ए कॉन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर। ऑन द अदर साइड ऑफ द लेंस अ कॉन्वेक्स मिरर, एक कॉन्वेक्स लेंस है और दूसरे बच्चों कॉन्वेक्स मिरर है। इट इज प्लेस्ड एट ए डिस्टेंस ऑफ 10 सेंटीमीटर फ्रॉम द लेंस सच दैट द इमेज फॉर्म्ड बाय द कॉम्बिनेशन कॉइंसाइड्स विद द ऑब्जेक्ट इटसेल्फ, व्हाट इज द फोकल लेंथ ऑफ द कॉन्वेक्स मिरर। क्वेश्चन में बच्चों जो जो लिखा है उसे ड्रॉ करेंगे। हमारे पास क्या दे रखा है, पहले एक कॉन्वेक्स लेंस की फोकल लेंथ हमें दे रखी है 10 सेंटीमीटर, और कुछ दूर यहाँ पे क्या रखा गया है, एक कॉन्वेक्स मिरर। कॉन्वेक्स मिरर की फोकल लेंथ के बारे में हमसे पूछा गया है, ये फोकल लेंथ भाई साहब हमें फाइंड आउट करनी है, और इन दोनों के बीच में डिस्टेंस कितना दे रखा है, एट ए डिस्टेंस ऑफ 10 सेंटीमीटर फ्रॉम द लेंस, ये 10 सेंटीमीटर डिस्टेंस हो गया। ऑब्जेक्ट कहाँ रखा गया है, ऑब्जेक्ट इज प्लेस एट ए डिस्टेंस ऑफ 12 सेंटीमीटर फ्रॉम द लेंस, ठीक है। तो ये फोकल लेंथ दे रखी है हमें लेंस की, और हमें कन्वेक्स मिरर की फोकल लेंथ यहाँ पर कैलकुलेट करनी है। क्वेश्चन दोबारा से क्रॉस चेक कर लीजिए। ए पॉइंट ऑब्जेक्ट इज प्लेस एट ए डिस्टेंस ऑफ 12 सेंटीमीटर फ्रॉम अ कन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर, ऑन द अदर साइड ऑफ द लेंस a convex mirror is placed at a distance of 10 cm from the lens such that the image formed by the combination coincides with the object itself. What is the focal length of the convex mirror? Right? तो बच्चों कैसे करेंगे हम लोग, ये समझेंगे कि यहाँ से अगर रे भेजी तो ये रे इमेज बनाएगी। इमेज कहाँ बनेगी पहले तो वो चेक करेंगे। लेट अस सी कि इमेज कहाँ बनेगी। मेरे पास u गिवन है, फॉर्मूला क्या है, 1/u, क्योंकि लेंसेज की बात हो रही है तो -1/u + 1/v इज इक्वल टू 1/f। अरे बच्चों एसी बंद हो गया भाई, क्या हो गया, एक मिनट एसी चलवा लूँ, गर्मी हो रही है। हाँ जी बच्चों, तो क्या आप लोग यहाँ पर v की वैल्यू कैलकुलेट कर पाओगे, 1/v, f कितनी है फोकल लेंथ, कॉन्वेक्स लेंस की बात हो रही है, कॉन्वेक्स लेंस की फोकल लेंथ हमारे पास होगी पॉजिटिव, कॉन्वेक्स लेंस की फोकल लेंथ पॉजिटिव, u की वैल्यू क्या होगी, u हमारे पास होगा -12, माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा, ये उधर आके फिर से माइनस हो जाएगा, एसी बंद हो गया, राइट। तो अब हमारे पास क्या आएगा, 1/v इज इक्वल टू 1/10 माइनस 1/12, क्या आप इसे सिंप्लीफाई कर पाओगे, एलसीएम कितना हो जाएगा 60, ये हो जाएगा 6 - 5, राइट बच्चों। तो आपके पास यहाँ पर v की वैल्यू कितनी बन जाएगी, v comes out 60 सेंटीमीटर। परफेक्ट, इसका मतलब ये देखो, ये है मेरे पास 10 सेंटीमीटर, इसका मतलब जो रेज हैं वो इसके पीछे होगा, रेज इसके पीछे तक जाएंगी, मीन्स कुछ ये सिचुएशन बनेगी, राइट। तो अब यहां से इस पॉइंट से क्या हो जाएगी, बोलिए, इस पॉइंट से रिफ्लेक्शन हो जाएगी। ये डिस्टेंस मेरे पास कितना होगा, एज पर क्वेश्चन हमने कैलकुलेट किया है 60 सेंटीमीटर, 60 सेंटीमीटर में से ये 10 सेंटीमीटर माइनस हो जाएगा, और इस मिरर के पीछे का डिस्टेंस क्या बनेगा, 50 सेंटीमीटर। दिस इज इमेज फॉर्म्ड बाय कॉन्वेक्स लेंस, राइट।
अब क्योंकि रेज यहाँ पे एक्चुअली तो मीट कर ही नहीं पाएंगी बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ कॉन्वेक्स मिरर, तो इसलिए ये हमारे पास केस बन जाएगा वर्चुअल ऑब्जेक्ट का, ये हमारे पास केस बनेगा वर्चुअल ऑब्जेक्ट का, जो आई है या आई वन कह लो, दिस इज इमेज फॉर कॉन्वेक्स लेंस एंड इट इज ऑब्जेक्ट फॉर कॉन्वेक्स मिरर, सो आई वन विल एक्ट एज कॉन्वेक्स सॉरी ऑब्जेक्ट फॉर कॉन्वेक्स मिरर, बट इस केस में ये वर्चुअल ऑब्जेक्ट की तरह बिहेव करेगा, यहाँ पर रेज डाइवर्ज नहीं हो रही, कन्वर्ज हो रही है। तो मैं यहाँ पर मिरर का फॉर्मूला लगाऊंगा, 1 बाई यू प्लस 1 बाई वी इज इक्वल टू 1 बाई एफ, यही होना चाहिए, 1 बाई यू प्लस 1 बाई वी इज इक्वल टू 1 बाई एफ। तो 1 बाई यू, इस बार ऑब्जेक्ट कितने डिस्टेंस पे है मेरे पास, ऑब्जेक्ट इज एट ए डिस्टेंस ऑफ 50 सेंटीमीटर, राइट। मैं देखो क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, मैं ये चाहता हूँ व्हाट इज द फोकल लेंथ ऑफ द कॉन्वेक्स मिरर, और मैं ये चाहता हूँ कि ऑब्जेक्ट और इमेज आपस में कॉन्साइड कर जाए, ठीक है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि ऑब्जेक्ट और इमेज आपस में कॉन्साइड कर जाए। ऑब्जेक्ट और इमेज आपस में कॉन्साइड करेंगे कब, ये कॉन्साइड करेंगे जब ये रेस अपना पाथ रिट्रेस करेंगी, रेस जैसे आई थी वैसे ही वापिस चली जाएंगी, तभी ये अपना जो ऑब्जेक्ट और फाइनल इमेज है ये आपस में कॉन्साइड कर पाएंगे। और ये कब पॉसिबल होगा, ये तब पॉसिबल होगा जब यहाँ पर एंगल ऑफ इंसिडेंस जीरो हो, दिस इज आई, यहाँ पर एंगल ऑफ इंसिडेंस जीरो हो, एंगल ऑफ इंसिडेंस जीरो होगा तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी जीरो होगा, तो ये जैसे आई है वैसे ही वापस चली जाएगी। अब थोड़ा सा अलग से समझते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस इन केस ऑफ स्फेरिकल मिरर्स जीरो कैसे होता है। लो बच्चों, अगर मेरे पास ये एक स्फीयर है, मैं यहाँ पे कोई भी रे इंसिडेंट करता हूँ, कोई भी लाइन ड्रॉ करता हूँ, इस केस में अगर लाइन सेंटर से पास कर रही है, ठीक है, तो ये हमेशा इस पॉइंट पे नॉर्मल रहेगी, यानी कि इस केस में एंगल ऑफ इंसिडेंस जीरो रहेगा, जिसका मतलब ये होगा बच्चों कि ये जो आई वन पॉइंट है इट शुड रिप्रेजेंट, इट मस्ट रिप्रेजेंट सी ऑफ कॉन्वेक्स मिरर, इट मस्ट रिप्रेजेंट सी ऑफ कॉन्वेक्स मिरर, यानी कि जो 50 सेंटीमीटर है वो मेरे पास क्या आ रहा है, 50 सेंटीमीटर इज रेडियस ऑफ कर्वेचर फॉर द कॉन्वेक्स मिरर, इसका मतलब इसकी फोकल लेंथ कितनी हो जाएगी, आर बाय टू, यानी कि 25 सेंटीमीटर। इसका मतलब बच्चों मुझे अब इस कैलकुलेशन में इस तामझाम में पढ़ने की जरूरत ही नहीं पड़ी, क्योंकि मुझे ऑब्जेक्ट और इमेज को कॉन्साइड करना था, ऑब्जेक्ट और इमेज तभी कॉन्साइड कर पाएंगी जब रेज अपना फाइनल पाथ रिट्रेस करे। ये क्वेश्चन मैंने क्यों सिलेक्ट किया है, कारण ये है कि ये आपका प्रैक्टिकल क्वेश्चन है, प्रैक्टिकल क्वेश्चन का मतलब है कि आपके प्लस टू के प्रैक्टिकल सिलेबस में आप लोग ये एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करते हो टू फाइंड आउट फोकल लेंथ ऑफ कॉन्वेक्स मिरर, राइट। अदरवाइज कॉन्वेक्स मिरर के केस में वर्चुअल इमेज बनती है तो उसके लिए सीधा सीधा कैलकुलेशन नहीं की जा सकती, आपको कॉम्बिनेशन में ही लेंस और मिरर के कॉम्बिनेशन में ही इसे यूज करना पड़ता है टू फाइंड आउट फोकल लेंथ ऑफ कॉन्वेक्स मिरर, राइट। चले आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। लो जी बच्चों, अगला क्वेश्चन हमारे पास है, क्वेश्चन में लिखा हुआ है एन अरेंजमेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट अ लेंस विद अ फोकल लेंथ ऑफ 30 सेंटीमीटर, दिस इज अ लेंस विद ए फोकल लेंथ ऑफ 30 सेंटीमीटर एंड फ्लैट मिरर एंड अ ट्रे इज शोन इन फिगर, अ फ्लैट मिरर इज टर्न्ड थ्रू एंगल 45 डिग्री, तो इसे 45 डिग्री से टर्न किया गया है, दिस एंगल इज 45 डिग्री रिस्पेक्ट टू ऑप्टिकल एक्सिस, ऑप्टिकल एक्सिस का मतलब आपके पास प्रिंसिपल एक्सिस ही है, नथिंग एल्स, एट व्हाट हाइट एच, एट व्हाट हाइट एच फ्रॉम द ऑप्टिक एक्सिस शुड द बॉटम ऑफ द ट्रे फिल्ड विद वॉटर अप टू ए डेप्थ ऑफ 20 सेंटीमीटर, डी इज गिवन टू अस 20 सेंटीमीटर, राइट, बी प्लेस टू फॉर्म अ शार्प इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट एट द बॉटम, बॉटम के ऊपर हमें शार्प इमेज बनानी है,
चलिए पहले तो ये देखते हैं कि ये मेरे पास ऑब्जेक्ट पड़ा है एट ए डिस्टेंस ऑफ 36 सेंटीमीटर। इस कन्वेक्स लेंस में से रेस के पास करने के बाद इमेज कहाँ बनेगी? मेरे पास फॉर्मूला क्या है, माइनस वन बाई यू प्लस वन बाई वी इज इक्वल टू वन बाई एफ, राइट। क्योंकि रियल ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट है तो उसके लिए साइन कन्वेंशन नेगेटिव आएगी, कन्वेक्स लेंस है तो फोकल लेंथ पॉजिटिव आएगी। आप लोग सॉल्व कर सकते हो, 1 बाई वी इज इक्वल टू 1 बाई 30 माइनस 1 बाई 36। मेरे ख्याल से 180 यहाँ पे एलसीएम बन जाएगा, ये 6 माइनस 5 हो जाएगा, जिसका मतलब बच्चों मेरे पास v की वैल्यू 180 सेंटीमीटर आ जाएगी। क्लियर, 180 सेंटीमीटर ये लेंथ मेरे पास आ जाएगी। बट जो मिरर का डिस्टेंस मुझे दे रखा है वो मात्र दे रखा है इतना 100 सेंटीमीटर, और ये इमेज बन रही है 180 पे। इसका मतलब कि रेज यहाँ से रिफ्लेक्ट करेंगी और इमेज बनेगी 80 सेंटीमीटर के ऊपर। इसके बाद का अगला डिस्टेंस 80 सेंटीमीटर होगा। मैं इस हिस्से को बच्चों थोड़ा सा अलग से ड्रॉ करके समझाने की कोशिश करता हूँ कि हो क्या रहा है, कि रेज अब इस मिरर से रिफ्लेक्ट होकर नीचे आ रही हैं और इन रेज को फोकस होना है एट ए डिस्टेंस ऑफ 80 सेंटीमीटर फ्रॉम द मिरर। अब होगा क्या कि ये रेज समवट यहाँ कहीं फोकस हो रही होंगी, कुछ इस तरह से फोकस हो रही होंगी। एक मिनट, हाँ जी, तो रेज यहां से कुछ इस तरीके से फोकस हो रही होंगी, राइट। बट क्वेश्चन में ये कहा गया है कि बताइए ये हाइट कितनी होनी चाहिए ताकि जो इमेज है वो कहाँ बने। इमेज शुड बी फॉर्म्ड एट द बॉटम, यानी कि इस कंटेनर के बेस के ऊपर जो है फाइनल इमेज बननी चाहिए। तो बच्चों यहाँ पे हम समझेंगे कि यहाँ पे क्या हो रहा है, जब लाइट एंटर करेगी एयर से वाटर के अंदर, तो लाइट एंटर करी है एयर से वाटर के अंदर, इट विल बेंड टूवर्ड्स नॉर्मल, तो ये नॉर्मल की तरफ बेंड करेगी तो रे इस तरह से मुड़ जाएगी, क्योंकि हम चाहते हैं कि फाइनल इमेज यहाँ पे बने। ये फाइनल इमेज है, ये इंटरमीडिएट इमेज है जो बननी थी बट बन नहीं पाई, राइट। बननी थी कहाँ पे, इस मिरर से कितने डिस्टेंस पे, 80 सेंटीमीटर पे, बट ये उससे थोड़ी नीचे चली जाएगी। ये गहराई कितनी दे रखी है हमें, दिस डेप्थ इज गिवन टू अस, दिस इज 20 सेंटीमीटर, राइट। तो हमारे पास रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर इज गिवन, इज इट मैंशनड, नहीं मैंशन है तो बेटा खुद मान लो, दिस इज गोइंग टू बी 4/3। अब हमारे पास सिचुएशन क्या बन गई है, हमारे पास है ये डेप्थ और ये डेप्थ, ये कौन सी है, रियल डेप्थ, और ये मेरे लिए इस बार बन जाएगी। अब ये ना बड़ा कन्फ्यूजिंग हो जाएगा कि मैं किसको रियल डेप्थ बोलूँ और किसको अपेरेंट डेप्थ बोलूँ, ठीक है, क्योंकि रेज एक्चुअली यहाँ मीट करनी थी और फाइनली मीट यहाँ पे कर रही है। तो आप रियल और अपेरेंट के चक्कर में मत पड़िए, रिफ्लेक्टिव इंडेक्स की वैल्यू आपके पास बनेगी 4/3 इज इक्वल टू 20 अपॉन ये डिस्टेंस। ये डिस्टेंस बच्चों मैं मान लेता हूँ, लेट अस सपोज दैट दिस इज वाई, तो अपॉन वाई हो जाएगा। यहाँ से मेरे पास वाई की वैल्यू बन जाएगी 15 सेंटीमीटर, राइट। इसका मतलब क्या होगा बच्चों कि इस मिरर से जो लाइट चली है उसकी वजह से इमेज यहां पर 15 सेंटीमीटर पे बननी चाहिए। ये लेंथ मेरे पास 15 सेंटीमीटर होनी चाहिए, सॉरी 15 सेंटीमीटर यहां से, ये 15 सेंटीमीटर होनी चाहिए। टोटल कितनी थी मेरे पास यहां से यहां तक, ये मेरे पास थी 80 सेंटीमीटर, राइट, अप टू हियर दिस इज 80 सेंटीमीटर। ये नीचे कितना बचा है बच्चों, 5 सेंटीमीटर। तो टोटल हाइट यहाँ से कितनी हो जाएगी, एच की वैल्यू टोटल कितनी हो जाएगी, 80+5, दिस इज गोइंग टू बी 80+5, यानी कि 85 सेंटीमीटर, यानी कि 0.85 मीटर हो जानी चाहिए, राइट। देखो सिंपल सा लॉजिक है कि हो क्या रहा है, यहाँ पर जो शिफ्ट है जिसको आप क्या कहते हो, नॉर्मल शिफ्ट, नॉर्मल शिफ्ट कितना हो रहा है, 5 सेंटीमीटर का हो रहा है,
नॉर्मल शिफ्ट इज ऑफ 5 सेंटीमीटर, पर इस शिफ्ट की वजह से हमें 80 सेंटीमीटर की जगह टोटल लेंथ या हाइट की वैल्यू कितनी लेनी पड़ेगी, 85 सेंटीमीटर, दैट्स ऑल, इज इट फाइन। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये तो मैंने एक एक्स्ट्रा रखा था। लो बच्चों, ये आज का सबसे शानदार क्वेश्चन रहेगा और मैंने भी कभी नहीं किया, मिलजुल के ही करेंगे, राइट। क्वेश्चन क्या है, ड्यू टू वर्टिकल टेम्परेचर ग्रेडियंट इन द एटमोस्फियर द इंडेक्स ऑफ रिफ्लेक्शन वेरीज। देखो बेटा, गर्मी होती है, गर्मियों में क्या है, हमारी प्यारी धरती माँ गर्म हो जाती है, उसकी वजह से गर्म हवा ऊपर उठती है, जिसका मतलब जो एयर अर्थ के कॉन्टैक्ट में होगी उसकी जो रिफ्लेक्टिव इंडेक्स है उसकी वैल्यू कम होगी, और जैसे जैसे हम ऊपर जाएंगे वैसे वैसे रिफ्लेक्टिव इंडेक्स की वैल्यू बढ़ती चली जाएगी, चेंज होती चली जाएगी। अब कहानी कुछ इस प्रकार से है कि ये मेरे पास क्या है, वर्टिकल कॉलम, जिसमें एयर की रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऊपर को जाते हुए लगातार बढ़ती चली जा रही है, राइट। और इस रिफ्लेक्टिव इंडेक्स की वैल्यू मुझे दे रखी है म्यू नॉट टाइम्स रूट ऑफ 1 + a × y, ये दे रखी है। अब यहाँ पे एक पर्सन खड़ा है, ये मान लो उस पर्सन की है हमारे पास निगाहें, और हम देखना चाहते हैं क्वेश्चन क्या है, पढ़ो दोबारा से। क्वेश्चन में कहा गया है कि a की वैल्यू हमें गिवन है, a की वैल्यू कितनी गिवन है, 2 × 10⁻⁶ पर मीटर। क्वेश्चन में कहा गया है कि अगर इस पर्सन की हाइट 2 मीटर हो तो बताइए वो कितनी दूर से कोई भी चीज़ देख नहीं पाएगा, ठीक है, इस वेरिंग रिफ्लेक्टिव इंडेक्स की वजह से कितनी दूर से वो कुछ भी देख नहीं पाएगा, बियॉन्ड व्हाट डिस्टेंस विल ही नॉट सी द रनवे, उसे रनवे सड़क दिखाई ही नहीं देगी। सो दिस इज आवर क्वेश्चन, क्या स्टेटमेंट क्लियर है। देखो बेटा, हो क्या रहा है और क्यों हो रहा है, अगर मैं ये मान लूँ कि भैया ये डिस्टेंस है एक्स जो कि मुझे कैलकुलेट करना है, और इस डिस्टेंस के बियॉन्ड ये पर्सन कुछ भी नहीं देख पाता, इसका क्या मतलब है, देखना क्या है, रनवे सड़क देखनी है, तो इसका मतलब जो सड़क से चलती हुई लाइट है इसकी आँख के पास से निकल जाती है, इसकी आँख तक पहुँच ही नहीं पाती, राइट। तो हो क्या रहा है, यहाँ से रे चलती है, मैं रे को ऑलमोस्ट सरफेस के पैरेलल चलाता हूँ, ठीक है, और ये रिफ्लेक्टिव इंडेक्स चेंज होने की वजह से कर्व पाथ फॉलो करते हुए जाएगी और बिल्कुल आंख के पास से निकल जाएगी, क्या ये क्लियर है, ये क्वेश्चन क्लियर है भाई। देखो ये बार बार टर्न करती रहेगी बिकॉज ऑफ चेंज इन रिफ्लेक्टिव इंडेक्स कॉन्टिन्यूसली, मैं थोड़ा सा यहाँ पे अलग से डायग्राम बना के समझाने की कोशिश करूंगा। रे ऑफ लाइट इधर से आई सरफेस के ऑलमोस्ट पैरेलल, ये थोड़ी सी मुड़ी टूवर्ड्स नॉर्मल, थोड़ी सी और मुड़ी टूवर्ड्स नॉर्मल, थोड़ी सी और मुड़ी टूवर्ड्स नॉर्मल, तो इस तरह से ये लगातार मुड़ती रहेगी, क्योंकि रिफ्लेक्टिव इंडेक्स कॉन्टिन्यूसली वेरी कर रही है, इसलिए बच्चों रिफ्लेक्टिव इंडेक्स क्योंकि कॉन्टिन्यूसली वेरी कर रही है इसीलिए वो कर्व पाथ फॉलो करेगी, ये ठीक वही मिराज इफेक्ट वाली बात हो रही है। तो क्वेश्चन अपने आप में टाइप जो है ये यूनिक है, सब लोगों को इस टाइप को अच्छे से कवर करके जाना है, राइट। लीजिए, तो ये है हमारे पास सिचुएशन। अब मैं क्या करता हूँ बच्चों, एक ऐसे ही आर्बिट्रेरी पॉइंट ले लेता हूँ, ठीक है, ये मेरे पास हॉरिजॉन्टल सरफेस आ गया, ठीक है, लाइट हॉरिजॉन्टल सरफेस से ही रिफ्लेक्शन करती हुई जा रही है, और ये जो रे है ये मेरे पास इंसिडेंट रे हो जाएगी, इधर से जो रे आ रही है ये इंसिडेंट रे हो जाएगी, और ये मेरे पास क्या हो गया, नॉर्मल इंसिडेंट रे ये रही, ये रहा मेरे पास रिफ्लेक्टिंग सरफेस और ये रहा नॉर्मल, तो क्या ये एंगल ऑफ इंसिडेंस हो जाएगा, दिखाई दे रहा है, मैं एक्सप्लेन करता हूँ अलग से। अगर आपके पास ये रे आ रही है तो क्या यही एंगल ऑफ इंसिडेंस होता है, तो वही, थोड़ी सी डायग्राम छोटी बनी है बट वही तो मेरे पास है, लो बच्चों अब शायद बेहतर दिखाई देगा, हाँ जी, क्या ये ओके है, अब ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है और इधर मेरे पास एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन हो जाएगा,
ये जो लाइन खींची है ये टेंजेंट है, मैं इसको प्रोड्यूस करता हूँ और मैं इस एंगल को मान लेता हूँ अल्फा। क्या डायग्राम ओके है? इस एंगल को क्या मान लेते हैं? अल्फा। और ये इधर से इसको जोड़ दिया, ये हमारे पास बन गई एक राइट एंगल ट्रायंगल। मैं थोड़ा सा डायग्राम को जूम करके समझा रहा हूँ। ये मेरे पास कर्व पाथ था, यहाँ पे एक पॉइंट था, उसके ऊपर मैंने टेंजेंट ड्रॉ किया। उस टेंजेंट ड्रॉ करने से मेरे पास क्या मिला? यहाँ पर एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये मैंने इधर लिया अल्फा, ये एंगल मेरे पास हो गया बच्चों 90 डिग्री। मुझे डायग्राम से क्लियर है अल्फा प्लस आई की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 90 डिग्री। अल्फा मुझे क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? व्हाट इज वैल्यू ऑफ अल्फा? ये मेरे पास डायरेक्टली और इनडायरेक्टली स्लोप को रिप्रेजेंट करेगी। स्लोप को कैसे रिप्रेजेंट करेगी बच्चों? क्योंकि अल्फा से मैं टेन अल्फा लिखूंगा, टेन अल्फा विल रिप्रेजेंट स्लोप एट दिस इंस्टेंट एट पॉइंट ए, राइट। तो मैं लिख सकता हूँ अल्फा इज इक्वल टू 90 माइनस आई। क्योंकि मुझे स्लोप की बात करनी है तो मैं लिखूंगा टेन अल्फा, टेन अल्फा इज इक्वल टू टेन 90 माइनस आई। टेन 90 माइनस आई क्या हो जाएगा बच्चों? कॉट आई। दिस इज इक्वल टू कॉट आई और टेन अल्फा मेरे पास क्या है? स्लोप एट एनी इंस्टेंट, यानी कि मेरे पास किसी भी पॉइंट के ऊपर इस कर्व की स्लोप आ गई, किसी भी पॉइंट के ऊपर इस कर्व की स्लोप आ गई। क्लियर है? तो हम लोग बच्चों यहाँ पे सीक्वेंस वाइज करेंगे। हमें ये देखना है कि कितनी दूर तक ये एक्स की मैक्सिमम वैल्यू कितनी है, कितनी दूर से कोई लाइट आएगी और ये इस ऑब्जर्वर की आंख तक नहीं पहुँच पाएगी, उससे पहले ही टर्न कर जाएगी। तो हमने अप्रोच कहाँ से शुरू किया है? हमने एक आर्बिटरी पॉइंट ए लिया, उस आर्बिटरी ए पॉइंट के ऊपर हमने स्लोप कैलकुलेट की इन टर्म्स ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस। वो बात अलग है कि हमें अभी एंगल ऑफ इंसिडेंस भी नहीं पता, दैट इज स्टिल अननोन टू अस, राइट। चलिए कोशिश करेंगे स्नेल्स लॉ अप्लाई करने की दो पॉइंट्स पे, ओ पॉइंट एंड ए पॉइंट के ऊपर, ठीक है। ये मुझे नहीं पता आप लोगों में से कितने लोगों ने इसको अप्लाई किया हुआ है। अप्लाइंग स्नेल्स लॉ एट पॉइंट ओ एंड एट पॉइंट ए। स्नेल्स लॉ क्या कहता है? म्यू वन इंटू साइन आई वन इज इक्वल टू म्यू टू इंटू साइन आई टू। कोई दिक्कत नहीं है। म्यू वन हम ओ पॉइंट पे अप्लाई कर रहे हैं, ओ पॉइंट में लाइट कहाँ पे थी? बिल्कुल एयर के कांटेक्ट में थी, नीचे थी बिल्कुल, यानी कि वहाँ पर वाई की वैल्यू कितनी थी? जीरो। देखो ऊपर को वाई की वैल्यू ये मेंशन की गई है, तो यहाँ पर वाई की वैल्यू कितनी थी? जीरो। अगर मैं वाई को जीरो पुट कर दूँ तो ये टर्म जीरो हो जाएगी, तो रिफ्लेक्टिव इंडेक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी? म्यू नॉट। हमने ये लिया कि इस समय लाइट ऑलमोस्ट पैरेलल थी, पैरेलल टू सरफेस, जिसका मतलब इस केस में अगर मैं यहाँ पे नॉर्मल ड्रॉ करता हूँ तो ये एंगल ऑफ इंसिडेंस 90 डिग्री हो जाएगा, यानी कि मेरे पास यहाँ पे क्या आएगा? साइन 90। अब दूसरा पॉइंट मेरा ए पॉइंट है, ए पॉइंट पे रिफ्लेक्टिव इंडेक्स कितनी हो जाएगी? म्यू नॉट टाइम्स अंडर रूट ऑफ 1 प्लस ए वाई मल्टीप्लाई बाय साइन आई टू। इस पॉइंट पे एंगल ऑफ इंसिडेंस, भाई साहब इस पॉइंट पे एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना है? दिस इज आई, सो दिस इज साइन आई। यहाँ पर म्यू नॉट और म्यू नॉट कैंसिल आउट हो जाएगा, साइन 90 कितना होता है? 1, यानी कि मेरे पास यहाँ पर साइन आई की वैल्यू कितनी बन जाएगी? 1 बाय अंडर रूट ऑफ 1 प्लस ए इंटू वाई, से दिस इज इक्वेशन नंबर 2। बट हमारी समस्याओं का अभी हल हुआ नहीं है। चक्कर क्या है बच्चों कि हमारे पास जो स्लोप थी ना, स्लोप में आ रहा था कॉट आई, जबकि हमने अभी कैलकुलेशन की है इसमें आ गया साइन आई। तो मुझे कहाँ पहुँचना है? कॉट आई तक। कॉट आई तक पहुँचने के लिए मैं कॉस आई लिखूँगा, कॉस आई कितना होगा? अंडर रूट ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वेयर आई। इसको सॉल्व करेंगे ये हो जाएगा 1 माइनस 1 अपॉन ए प्लस ए। ओ, 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 ओ गड़बड़ हो गई, हाँ जी ये बनेगा 1 प्लस ए वाई। देखो बच्चों यहाँ पे था, सही है, साइन आई था, साइन आई का स्क्वेयर किया तो ये पूरा स्क्वेयर हो गया, ये वैल्यू आ गई।
इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं, 1 प्लस ए वाई माइनस 1 अपॉन 1 प्लस ए वाई, ये 1/1 कट गया, मेरे पास आ गया रूट ऑफ ए वाई अपॉन 1 प्लस ए वाई, दिस इज इक्वेशन नंबर 3। इक्वेशन नंबर 3 में बच्चों मेरे पास क्या आ रहा है, कॉस आई। इक्वेशन नंबर 2 में मेरे पास क्या है, साइन आई। अगर इन दोनों को डिवाइड कर देंगे तो मेरे पास कॉट आई बन जाएगा। मैं तीनों इक्वेशन को एक साथ यूज कर लेता हूँ, यूजिंग इक्वेशन नंबर 1, 2 एंड 3। देखो मुझे करना क्या है, मुझे सिर्फ और सिर्फ कॉट आई को एलिमिनेट करना है, कॉट आई की वैल्यू पुट करनी है ताकि मैं स्लोप को एक्स एंड वाई की टर्म्स में लिख पाऊँ, स्लोप को एक्स एंड वाई की टर्म्स में लिख पाऊँ, यानी कि मैं यहाँ पर इक्वेशन ऑफ ट्राइजेक्ट्री बनाना चाहता हूँ, राइट। कॉट आई क्या होता है, कॉस बाय साइन, कॉस बाय साइन करोगे तो आपके पास रूट ऑफ ए इंटू वाई बन जाएगा। क्लियर है भाई, परफेक्ट है, रूट ऑफ ए इंटू वाई। मुझे चाहिए डी वाई, ये बन गई डी वाई अपॉन रूट ऑफ ए वाई इज इक्वल टू डी एक्स, वेरिएबल सेपरेट किए और दोनों तरफ ले ली इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन कहाँ से कहाँ तक शुरू करनी है, देखो जब x की इंटीग्रेशन लूँगा तो 0 से शुरू करूँगा और ये जो डिस्टेंस है जहाँ पे दिखाई देना बंद हो जाता है वो मैक्सिमम डिस्टेंस होगा, और मेरे क्वेश्चन में इसी मैक्सिमम डिस्टेंस को ढूंढने की बात की गई है। y शुरू तो हमने ग्राउंड से की थी और ग्राउंड को हमने ओरिजिन माना था, क्योंकि y का इनिशियल कोऑर्डिनेट तो 0 होगा, बट आर्क कितनी हाइट पे है, 2 मीटर पे है, तो मेरे लिए y कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा, 2 मीटर हो जाएगा, अपर लिमिट मेरे पास यहाँ पर 2 मीटर हो जाएगी। 1/√a, अरे क्या हो गया, इतना मुझे याद है हम लोग क्या लिख चुके थे, डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू रूट ऑफ ए वाई, फिर हमने लिखा था डी वाई अपॉन रूट ऑफ वाई इज इक्वल टू रूट ऑफ ए इंटू डी एक्स, फिर हम लोग बच्चों यहाँ पे इंटीग्रेट कर रहे थे, एक्स की लिमिट हमने 0 से एक्स तक लिखी थी, वाई की 0 से 2 तक लिखी थी, इतना मुझे याद है, राइट। हमें ढूंढना क्या था, एक्स, तो अब यहाँ पर इंटीग्रेशन करेंगे, वाई रेस टू पावर माइनस 1/2 पहले से है, प्लस 1/√1/2 हो जाएगा, लिमिट्स विल बी टेकन फ्रॉम 0 to 2 एंड दिस इज रूट ऑफ ए, लिमिट्स आर टेकन फ्रॉम 0 to x, राइट। तो ये मेरे पास बनेगा 2 times रूट ऑफ वाई, लिमिट्स आर टेकन फ्रॉम 0 to 2, ये रूट ए इधर डिवाइड कर लेते हैं, दिस इज इक्वल टू एक्स, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास एक्स की वैल्यू जो कि हमारा एक्चुअल क्वेश्चन था वो आ जाएगी, ये है रूट ऑफ 2 times 10^-6, रूट से बाहर आ गया 10^-3। वाई की लिमिट्स लेंगे तो √2 - 0 हो जाएगा, दिस इज इक्वल टू एक्स, ये √2 √2 कट जाएगा, तो ये हमारे पास 2000 meters यानी कि 2 kilometers बन जाएगा, जिसका मतलब ये होगा कि 2 kilometers के बियॉन्ड हमें कुछ भी दिखाई नहीं देखा, ठीक है। तो ये एक तरह से मिराज इफेक्ट आपके पास आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों की स्क्रीन पर, क्वेश्चन हमारे पास क्या है, 2 spherical mirrors M1 and M2, one convex and other concave, having same radius of curvature, दोनों का रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना दे रखा है R, बट एक कनकेव है और एक कन्वेक्स है, आर अरेंज को एक्सली एट ए डिस्टेंस 2r, इन दोनों के बीच में बच्चों डिस्टेंस है 2r, और एक ऑब्जेक्ट यहाँ पे रखा गया है, ए बैंड ऑफ रेडियस a, तो ये मेरे पास ऑब्जेक्ट है जिसका रेडियस a है, इट इज प्लेस्ड एट द पोल ऑफ ए कन्वेक्स मिरर एज शोन इन फिगर, द रेशियो ऑफ द साइजेस ऑफ फर्स्ट 3 images ऑफ द बीड, यहाँ पर बैंड गलत लिखा गया, यहाँ पे होना चाहिए था बीड, तो एक बीड है जिसका रेडियस a है बच्चों, राइट। अब पहली इमेज M2 मिरर में बनेगी, तो फर्स्ट इमेज के लिए कैलकुलेशन करेंगे, फर्स्ट इमेज आप लोग मेरे साथ साथ कैलकुलेशन करिए, मेरे से जल्दी करिए, फर्स्ट इमेज के लिए क्या करेंगे बच्चों, फॉर्मूला कौन सा लगेगा मिरर का, 1/u + 1/v इज इक्वल टू 1/f, ऑब्जेक्ट कितने डिस्टेंस पे पड़ा है, 2r पे, रियल ऑब्जेक्ट है,
तो मैं लिख सकता हूँ माइनस टू आर, वी मुझे ढूंढना है और कनकेव मिरर की बात हो रही है, कनकेव मिरर के लिए फोकल लेंथ हमारे पास होती है नेगेटिव, तो फोकल लेंथ लिखनी है विच इज हाफ ऑफ द रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो यहाँ पे मेरे पास 1 बाई वी की वैल्यू क्या बन जाएगी, दिस इज गोइंग टू बी माइनस टू बाई आर प्लस 1 बाई टू आर। मैं इसे सॉल्व करूंगा और वी की वैल्यू बन जाएगी 2R विद ए माइनस साइन बाय 3, ये वी बन गई। यू मेरे पास कितना था बेटा, यहाँ से आ जाएगा, तो मेरे पास मैग्नीफिकेशन कितनी हो गई, तो मेरे पास पहले केस में मैग्नीफिकेशन कितनी हो जाएगी, मेरे पास यू है मेरे पास वी है, मैग्नीफिकेशन क्या बन जाएगी माइनस वी अपॉन यू, क्या मुझे माइनस साइन की ज़रूरत नहीं है, तो मेरे पास ये कितनी हो जाएगी माइनस टू बाई थ्री आर अपॉन यू कितना है माइनस टू आर, तो ये कर करा के मेरे पास बन जाएगी 1/3, ये आर तो कट ही जाएगा, तो मेरे पास बचेगी ये वैल्यू 1/3, इसका मतलब मेरे पास 1/3 ऑफ द साइज ऑफ इमेज बनेगा। एक बार समझने की कोशिश करते हैं, मेरे पास ये डिस्टेंस 2R है, तो फोकल लेंथ इस मिरर का फोकस यहाँ पे होगा, इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर यहाँ पे होगा और ऑब्जेक्ट इससे पीछे पड़ा है, ऑब्जेक्ट इज प्लेस बियॉन्ड सी, तो नेचुरली एक रियल एंड डिमिनिश्ड इमेज बनेगी, तो यही वजह है नेगेटिव साइन आया है जो कि रिप्रेजेंट कर रहा है रियल इमेज बनेगी, 1/3 का मतलब है हमारे पास डिमिनिश्ड इमेज बनेगी। तो फर्स्ट केस में 1/3 आ गया, अगर मैं ज़्यादा दिमाग ना लगाऊं तो इन दोनों में से कोई एक ऑप्शन मेरे पास बननी चाहिए। वेल, हम बाकी भी ट्राई कर लेते हैं। अब सेकंड सिचुएशन क्या है, इमेज कहाँ बनेगी, ये बनेगी एट ए डिस्टेंस ऑफ 2R/3, तो ये इमेज यहाँ कहीं बन गई 2R/3, समवट हेयर यहाँ कहीं इमेज बन गई, तो यहाँ पे ये साइज थोड़ा छोटा बनेगा, डायग्राम में समझाने के लिए थोड़ा हाईलाइट कर रहा हूँ, ये फर्स्ट इमेज बन गई। अब ये जो इमेज है इट विल एक्ट एज ए ऑब्जेक्ट फॉर दिस कॉन्वेक्स मिरर, तो सेकंड इमेज के लिए अब हम लोग जद्दोजहद करेंगे, सेकंड इमेज के लिए देखते हैं ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस कितना है। देखो बच्चों, ये डिस्टेंस मेरे पास आया है 2R/3, दो मिरर्स के बीच का डिस्टेंस कितना था 2R, तो इसका मतलब ये डिस्टेंस कितना बच गया 4R/3, क्या ये कैलकुलेशन सही है, परफेक्ट है। इसका मतलब दूसरे मिरर के लिए जो ऑब्जेक्ट है वो पड़ा है एट ए डिस्टेंस ऑफ 4R/3, और मैं देखूंगा कि इसकी इमेज कहाँ बनेगी, मैं फिर से फॉर्मूला लगाऊंगा 1/u + 1/v = 1/f, राइट, 1/u सॉल्व करेंगे तो ये मेरे पास हो जाएगा -4R/3 ऊपर चला जाएगा, इस बार कॉन्वेक्स मिरर है, कॉन्वेक्स मिरर के लिए फोकल लेंथ पॉजिटिव होगी, तो ये R/2 पॉजिटिव हो जाएगा, 1/v = 2R प्लस ये इधर के प्लस हो जाएगा 3/4R, ये मेरे पास बन गया v की वैल्यू 4R/11, राइट, u कितना था 4R/3 और v कितना है 4R/11, तो देखते हैं बच्चों क्या बनता है। तो इस बार मुझे मैग्नीफिकेशन देखनी है, इस बार मैग्नीफिकेशन कितनी आएगी, मैग्नीफिकेशन का फॉर्मूला मेरे पास इस बार सेकंड इमेज के लिए क्या बनेगा v/u, यानी कि ये मेरे पास बनेगा 4R/11 डिवाइडेड बाय 4R/3, दिस कम्स आउट 3/11, बट ये आपस में कंपैरिजन है, इस बार इमेज यहाँ कहीं बनेगी, यहाँ कहीं इमेज बनेगी, छोटे साइज की इमेज बनेगी, और ये इसके मुकाबले में 3/11 टाइम्स होगी, बट जब मुझे रेशियो लेनी है तो मुझे फर्स्ट के साथ कंपैरिजन करना है, फर्स्ट केस में रेशियो क्या थी 1/3 थी, यानी कि फर्स्ट के मुकाबले में अगर मैं ये देखूंगा तो ये 1/11 टाइम्स m1 हो जाएगी, ठीक है, तो मैं कह सकता हूँ ऑब्जेक्ट के केस में पहले 1/3 थी फिर 1/11 हो रही है, राइट। अब हम सिमिलरली ट्राई करेंगे थर्ड के लिए, वैसे कोशिश करने की ज़रूरत है नहीं है, हमारा ऑप्शन यहीं से मैं आवाज़ें मार रहा कि भाई मैं यहाँ पे प्रेजेंट हूँ, पर फिर भी आप लोगों के मन की तसल्ली के लिए एक बार ट्राई कर लेते हैं। अब ये एक्ट करेगा एज ए ऑब्जेक्ट और इस ऑब्जेक्ट की इस मिरर से जो डिस्टेंस की वैल्यू हम लोग यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे, देखते हैं ये वैल्यू कितनी बनती है। देखो बच्चों,
मेरे पास इस केस में ये डिस्टेंस कितना आया है 4r/11 और ये कितना था 2r, तो टोटल डिस्टेंस हो गया 2r + 4r/11 26r/11 ये हो गया। तो थर्ड इमेज के लिए बच्चों हमारे पास ऑब्जेक्ट कहाँ पड़ा है, ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस है मेरे पास 26r/11 यही हो गया। पर मुझे देखनी है इमेज की पोजीशन, मैं फॉर्मूला लगाऊंगा 1/u + 1/v = 1/f। फिर से मेरे पास कॉनकेव मिरर है तो फोकल लेंथ नेगेटिव हो जाएगी, -2/r हो जाएगी। एग्जैक्टली यही फॉर्मूला हम लोग अप्लाई कर रहे हैं। तो इस बार 1/v कितना हो जाएगा, -2/r + 11/26r। एलसीएम मेरे पास हो जाएगा 26, ये 52 -41 हो गया, यानी कि v की वैल्यू बच्चों कितनी आ गई 26r/41 विद ए नेगेटिव साइन। नेगेटिव साइन की मुझे चिंता करनी नहीं है क्योंकि मुझे तो साइजेस को ही कंपेयर करना है, राइट। ये वैल्यू मेरे पास आ गई बच्चों, अरे यार क्या हो रहा है, ये वैल्यू मेरे पास आ गई। अब इस केस में मैग्निफिकेशन कितनी आएगी, थर्ड केस में देख लेते हैं क्या बनता है भैया। थर्ड केस में हमारे पास u ये रहा और v ये रहा, डिवाइड करूंगा तो मुझे लगता है कि 26 तो हो जाएगा कैंसिल आउट, r भी कैंसिल आउट हो जाएगा, मेरे पास बनेगा v/u यानी कि 11/41। यही बनना चाहिए, दिस इज गोइंग टू बी 11/41। और अगर मैं इसको कंपेयर करूंगा पिछले केस के साथ तो यहाँ पर ये वैल्यू मेरे पास m2 के कंपैरिजन में ये रेशियो 1:41 बन जानी चाहिए, ठीक है। कंपैरिजन में बात कर रहा हूँ बच्चों, तो ये मेरे पास 1:41 बन जानी चाहिए, तो मेरे पास ऑप्शन जो सी है वो बन जाएगी। चलिए अगला क्वेश्चन है, और इस क्वेश्चन की स्टेटमेंट को समझना ही अपने आप में एक शानदार कोशिश रहेगी। क्वेश्चन क्या है हमारे पास, एन आइसोसेलिस प्रिज्म हैज रिफ्रैक्टिंग एंगल ए, इट्स वन फेस इज सिल्वर्ड अदर देन द बेस। तो सिचुएशन क्या है, हमारे पास एक प्रिज्म दे रखा है जिसके एक फेस को सिल्वर किया गया है और वो फेस बेस नहीं है, तो ये एंगल ऑफ प्रिज्म ए हो गया, राइट। उसके बाद क्या कहा गया है, ए रे ऑफ लाइट फॉलिंग नॉर्मली ऑन द फेस नॉट सिल्वर्ड। तो एक रे ऑफ लाइट जो कि एक फेस के ऊपर इंसिडेंट की गई है जो कि सिल्वर नहीं किया गया, यानी कि दिस इज नॉर्मल इंसिडेंस। इस केस में एंगल ऑफ इंसिडेंस जीरो होगा, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन जीरो होगा, पर लाइट बिना डेविएशन के आगे निकल जाएगी। सामने क्या है हमारे पास, मिरर, तो इस मिरर से ये रे रिफ्लेक्ट हो जाएगी, ऑफकोर्स ये रे रिफ्लेक्ट हो जाएगी। उसके बाद क्या लिखा है, नॉट सिल्वर्ड इमर्जेस थ्रू द बेस ऑफ द प्रिज्म नॉर्मल टू इट, ये रे प्रिज्म के बेस से बाहर आती है और प्रिज्म के बेस से बाहर आते हुए ये नॉर्मल होती है, नॉर्मल मीन्स उसके परपेंडिकुलर होती है, यानी कि ये रे कुछ इस तरीके से बाहर आती है। क्या ऐसा संभव है, यस ऐसा पॉसिबल है। कब पॉसिबल है बच्चों, जब ये आपके पास इस केस में TIR हो रही हो, क्वेश्चन में कहीं पे भी ये मेंशन नहीं किया गया कि TIR हो रही है, बट इसके बिना आपकी डायग्राम बन ही नहीं सकती। मैं थोड़ा सा इसको नॉर्मल अच्छे से बनाने की कोशिश करूंगा। अब आप लोग दोबारा से सोच के देखिए, मैं एक और डायग्राम के थ्रू आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ। मैंने पहले से प्रिज्म थोड़ा बड़े साइज का बनाया था, तो ये आप डायग्राम ड्रॉ मत करना, ये समझने के लिए है। तो आप ये समझ सकते हो कि भैया ये ऐसे निकल गई, देखिए इस तरह के निकलने के चांसेस जीरो हैं, ठीक है। ये एंगल और ये एंगल ट्राई कर लो, अगर ऐसे बन रहा है, अगर ऐसे निकल सकती है तो कोई दिक्कत भी नहीं है, शायद इससे भी आंसर बन जाए, है ना। ये एंगल मेरे पास कितना है, एंगल ऑफ प्रिज्म ए, ये एंगल मेरे पास 90 था, ये कितना हो जाएगा, दिस इज 90। इससे भी ट्राई करते हैं बेटा, दोनों तरीकों से ट्राई करते हैं, मैंने इससे ट्राई किया नहीं था। ये कितना है, 90 माइनस
ए, ये एंगल भी कितना होगा ए, ये भी कितना होगा ए, ये एंगल मेरे पास कितना है 90 डिग्री। तो अब आप लोग ट्राई करिए एंड ट्राई टू फाइंड आउट कि क्या इस केस में आप एंगल ऑफ प्रिज्म ए की वैल्यू ढूंढ पा रहे हैं। ट्राई टू फाइंड आउट क्या ये सिचुएशन संभव है, क्या इस केस में आपको एंगल ऑफ प्रिज्म मिल जाएगा, आपको ए ढूंढना है, राइट। तो यू कैन ट्राई विद दिस टेक्नोलॉजी, दिस डायग्राम आल्सो, ठीक है। ये आपके लिए एज ए होमवर्क रहेगा, इससे ट्राई कर लेना। मैं यहाँ पे इस मेथड से ट्राई करने की कोशिश करता हूँ। ये एंगल मेरे पास ए है, ये एंगल कितना होगा बेटा, ये 90 माइनस ए, तो ये भी बच गया ए, ये एंगल भी बच गया ए। ये मेरे पास होगा अगले फेस पे एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये होगा इधर एंगल ऑफ इंसिडेंस, और एज पर क्वेश्चन ये एंगल मेरे पास कितना है 90 डिग्री। क्लियर है। अब देखिए ये दो लाइंस पैरेलल होंगी, क्योंकि ये नॉर्मल इंसिडेंस था और ये मैंने नॉर्मल ही ड्रॉ किया है, तो ये दो लाइंस पैरेलल है। अगर ये दो लाइंस पैरेलल है तो इस केस में ये एंगल यानी कि टोटल एंगल 2a और ये एंगल i आपस में बराबर होना चाहिए, यानी कि मेरी डायग्राम के मुताबिक i शुड बी इक्वल टू 2a, से दिस इज इक्वेशन नंबर 1। अब आगे देखिए क्या कोई और सिचुएशन लिखी जा सकती है। ये एंगल a है, ये 90 है, तो ये था मेरे पास आइसोसेलिस प्रिज्म। तो अगर ये इस एंगल को लिखूं, ये थीटा की वैल्यू भी मैं कैलकुलेट करके दिखाऊंगा, ये भी एंगल थीटा हो जाएगा, ये एंगल मैं लिख लेता हूं अल्फा, राइट। तो अब कोशिश करेंगे पहले थीटा कैलकुलेट कर ले, 2θ + a कितना हो जाएगा 180 डिग्री, यानी कि थीटा की वैल्यू मेरे पास कितनी हो जाएगी 180 - a/2, दिस इज थीटा, थीटा प्लस अल्फा प्लस 90 = 180, यानी कि थीटा प्लस अल्फा मेरे पास हो जाएगा 90 डिग्री। अब अल्फा और आई इन दोनों का सम कितना होगा 90 डिग्री, यानी कि मैं अल्फा को इलिमिनेट कर सकता हूँ, आई कैन राइट डाउन इट एज 90 - i, दिस इज इक्वल टू 90 डिग्री, यानी कि थीटा इज इक्वल टू आई, थीटा मेरे पास कितना है, थीटा इज 180 - a/2, और आई हमने कितना लिखा था, आई इज इक्वल टू 2a, क्लियर। तो आप इसे सॉल्व कर सकते हो, ये बनेगा 180 = 5a, दिस कम्स आउट a इज इक्वल टू 36 डिग्री, ठीक है। तो ये डायग्राम अभी करते करते मेरे दिमाग में आई है, तो आप लोग इसको कोशिश करना, देखिए क्या अगर ऐसा होता है तो क्या इस केस में भी आपका एंगल ऑफ प्रिज्म a 36 डिग्री बनता है। हो सकता है कि कुछ और एंगल आ जाए पर वो ऑप्शन में ना हो, तो आपको डायग्राम को रिकंस्ट्रक्ट करना पड़े, जैसे मैंने बनाया है वैसे ही सोचना पड़े, ये आपका होमवर्क रहेगा, राइट। आगे चलते हैं बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये मेरे हिसाब से इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। इसका कारण क्या है बच्चों, हम लोग इस क्वेश्चन की जो थ्योरी है, जो कैलकुलेशंस है, उसको हम यूज़ करते हैं YDSC में। YDSC में हम इसको यूज़ करते हैं टू मेक टू कोहेरेंट सोर्सेज। क्वेश्चन हमारे पास क्या है, हमारे पास एक लेंस था, कन्वेक्स लेंस था, उसके दो टुकड़े किए और उन दोनों टुकड़ों को ऊपर मूव कर दिया, प्रिंसिपल एक्सिस से ऊपर मूव कर दिया। तो जो ऊपर को मूव किया गया है, ये वैल्यू मुझे क्वेश्चन में 0.0005 mm दे रखी है। अगर मैं इसको 1000 से भी मल्टीप्लाई करता हूँ तो ये 0.05 mm बन जाएगा। ये बहुत ही कम मूवमेंट की गई है, क्या ये सही है बच्चों? ठीक है, मीटर में रखना है तो भी कोई इश्यू नहीं है, लेट इट बी। तो ये सिचुएशन है। अब ऐसे ही इतना ही इसको नीचे को मूव कर दिया गया, ऑब्जेक्ट इसी जगह पे प्लानी प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर पड़ा हुआ है। अब हमें ये देखना है कि इस केस में इमेज कहाँ बनेगी, ये हमारा क्वेश्चन। तो बेटा क्या हमें ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस दे रखा है, हमें फोकल लेंथ दे रखी है और ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस 30 सेंटीमीटर दे रखा है, यानी कि यू की वैल्यू 30 सेंटीमीटर और फोकल लेंथ की वैल्यू बच्चों मुझे 20 सेंटीमीटर दे रखी है।
तो आई विल ट्राई टू फाइंड आउट इमेज, बट कंसेप्ट को समझो कि इस केस में जब मैं इन लेंसेज को ऊपर को शिफ्ट करूँगा तो इसके साथ साथ इनकी प्रिंसिपल एक्सिस भी शिफ्ट कर जाएंगी, यानी कि इन दो लेंसेज की प्रिंसिपल एक्सिस कुछ इस प्रकार से आएंगी। अब इस ऊपर वाले लेंस के लिए ऑब्जेक्ट प्रिंसिपल एक्सिस से नीचे पड़ा हुआ है, और ये फोकल लेंस से ज़्यादा डिस्टेंस पे है। इसका मतलब क्या होगा, इसकी एक रियल इन्वर्टेड एंड मैग्नीफाइड इमेज बनेगी। तो यहाँ कहीं पे इसकी एक इमेज बनेगी, दिखाई देगी ये, आई मीन चलिए। तो सिमिलरली बच्चों दूसरे केस में क्या होगा, दूसरे केस में मेरे पास ऑब्जेक्ट इस प्रिंसिपल एक्सिस के लिए ऊपर की तरफ पड़ा हुआ है, इधर पड़ा हुआ है, तो अब मुझे इसकी इमेज इस तरफ दिखाई देगी प्रिंसिपल एक्सिस से नीचे, रियल एंड इन्वर्टेड। ऑफ कोर्स इट विल बी मैग्नीफाइड आल्सो बिकॉज ऑब्जेक्ट इज बियॉन्ड एफ, इन फैक्ट इट इज बिटवीन एफ एंड 2f। चलिए देखते हैं कि इस ऑब्जेक्ट की जो दो इमेजेस हैं उनके बीच का डिस्टेंस कितना है। तो ये पहले केस में इमेज I1 लिख लेता तो बेहतर था, I1, और इस तरफ मेरे पास बच्चों हो जाएगा I2, राइट। तो मैं फॉर्मूला लगाऊंगा -1/u + 1/v = 1/f। u की वैल्यू मेरे पास है -30, कॉन्वेक्स लेंस है तो फोकल लेंथ रहेगी पॉजिटिव, तो 1/v मेरे पास हो जाएगा 1/20 -1/30। सॉल्व करेंगे तो v की वैल्यू 60 सेंटीमीटर बन जाएगी, v इज 60 सेंटीमीटर, यानी कि ये जो डिस्टेंस है वो 60 सेंटीमीटर है। ऑब्जेक्ट के लिए डिस्टेंस कितना था, 20 सेंटीमीटर, इमेज बनी है 60 सेंटीमीटर पे, डबल हो गया है, जिसका मतलब मैग्निफिकेशन डबल हो जाएगी, मतलब 2 हो जाएगी। मींस अगर ये डिस्टेंस 0.0005 मीटर था तो ऑब्जेक्ट की जो साइज था उससे इमेज का साइज डबल हो जाएगा, इस ग्रीन लाइन से डबल 0.001 हो जाएगा। देखो बच्चों सिमिलरली नीचे की तरफ भी ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0.001। अब हमने इन दोनों लेंसेज को 0.0005 मूव किया था, तो कुल मिला के कितना मूव किया था, 0.001 मीटर। अब देखो ये रहा टॉप पॉइंट, ये रहा बॉटम मोस्ट पॉइंट, और इन तीनों के दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है 0.01 मल्टीप्लाई बाय 3 हो जाएगा, 0.001 मल्टीप्लाई बाय 3, दिस कम्स आउट 0.003 मीटर, यानी कि मेरे पास 60 सेंटीमीटर के ऊपर इमेज बनेगी और दो इमेजेस के बीच का डिस्टेंस ये रहेगा। तो दो इमेजेस के बीच का ये डिस्टेंस रहेगा और ये इमेज 0.6 मीटर के ऊपर बनेगी, राइट, कंप्लीट। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन, वन ऑफ द गुड क्वेश्चंस, कंसेप्चुअल रहेगा। क्वेश्चन हमारे पास क्या है बच्चों कि तीन प्रिज्म हमें दे रखे हैं, तीन राइट एंगल प्रिज्म हमें दिए हैं जिनकी रिफ्रैक्टिव इंडिसेस N1, N2 एंड N3 दे रखी हैं। इन तीनों प्रिज्म्स को जैसा डायग्राम में शो किया गया है वैसे प्लेस किया गया है, और क्वेश्चन में ये कहा गया है कि जो लाइट आती है वो बिना किसी डेविएशन के निकल जाती है, लाइट गोज विदाउट एनी डेविएशन। Then we have to find out relation between N1, N2 and N3. क्या question clear है? देखो बच्चों approach कैसी रहेगी कि ये रे enter की, ये हो गया angle of incidence I, ये रे थोड़ा सा मुड़ेगी, ये फिर थोड़ा सा इधर मुड़ेगी, ये फिर इधर मुड़ेगी, ultimately जो emergent ray है वो incident ray के parallel निकल जाएगी, emergent ray incident ray के पैरेलल निकल जाएगी, यानी कि देयर विल बी नो डेविएशन
इसकी डायरेक्शन में कोई चेंज नहीं आएगा। क्या ये क्लियर है? देयर विल बी नो डेविएशन एज पर क्वेश्चन। अब जो हमारे पास इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो क्या है कि हमें राइट एंगल्ड प्रिज्म्स दे रखे हैं। आपको प्रिज्म के केस में कुछ प्रॉपर्टीज याद होंगी कि आर वन प्लस आर टू किसके इक्वल होता है? ए के बराबर होता है। हमें राइट एंगल प्रिज्म दे रखा है यानी तीनों के तीनों, यानी कि तीनों के लिए ए की वैल्यू कितनी है? 90 डिग्री है। जिसका मतलब मेरे पास क्या होगा कि आर वन प्लस आर टू की वैल्यू 90 डिग्री हो जाएगी। ये मेरा स्टैंडर्ड रिजल्ट रहेगा और ये तीनों प्रिज्म के लिए बच्चों एप्लीकेबल रहेगा। अब यहाँ पर एंगल कितना है? आर वन, लाइट यहाँ पर मुड़ी, ये एंगल आर टू, ठीक है। अब इस केस में ये एंगल आर थ्री, इधर से ये एंगल आर फोर, ये एंगल आर फाइव, ये एंगल आर सिक्स और फाइनल एंगल ई, फाइनल एंगल ई एंगल ऑफ इमरजेंस। इस एंगल ऑफ इमरजेंस की वैल्यू हमारे पास होगी 90 माइनस आई। वो क्यों होगी? क्योंकि हमारे पास राइट एंगल प्रिज्म है। अगर आपको ये 90 माइनस आई क्लियर नहीं है तो हम लोग मिलजुल के एक कोशिश कर सकते हैं। ये दोनों रेस आपस में है पैरेलल, तो मैं डायग्राम ये बना रहा हूँ, ठीक है। ये पहले वाली रे और ये दूसरे वाली रे, जो कि आपस में दोनों पैरेलल है, राइट। यहाँ पर मैंने ड्रॉ किया ये एक नॉर्मल, ये था मेरे पास एंगल ऑफ इंसिडेंस, दिस एंगल इज 90 डिग्री। डायग्राम ओके है? कोई शक कोई चिंता? परफेक्ट। अब यहाँ पर मैंने ये नॉर्मल ड्रॉ किया, ये मेरे पास दो नॉर्मल्स हैं, इधर से भी नॉर्मल है और इधर से भी नॉर्मल है। ये बच्चों, अगर ये एंगल 90 डिग्री है तो मेरे पास रिलेशन क्या होता है? आर वन प्लस आर टू इज इक्वल टू 90 डिग्री, ओके। तो मुझे चाहिए ये वाला एंगल, मुझे प्रूफ करना है कि ये एंगल होगा 90 माइनस आई, यानी कि मुझे प्रूफ करना है कि ये एंगल मेरे पास होगा आई। तो क्या आप डायग्राम से कहीं से ये एंगल आई ढूंढ सकते हो? लो जी, कोशिश करते हैं। ये आई, ये 90, ये आर वन प्लस आर टू इज इक्वल टू ए, तो ये मेरे पास एंगल होगा आर वन, और इधर से ये पीछे को प्रोड्यूस करूंगा, थोड़ा इरेज करना पड़ेगा, यहाँ पे थोड़ी कैलकुलेशन कॉम्प्लेक्स हो गई है। देखते हैं क्या बनता है। ये एंगल 90 माइनस आई, ये मुझे आई प्रूव करना है बेसिकली, ये दोनों एंगल्स मुझे प्रूव करने हैं। तो कहाँ पे थे? ये आई, ये आर वन, और ये मैंने पीछे को प्रोड्यूस किया था रे को, ये था उसका नॉर्मल, ये एंगल मेरे पास होगा आर टू। थोड़ी कैलकुलेशन में परेशानी, एक मिनट, एक मिनट, इसको बाद में देख लें एक बार, ये थोड़ा गड़बड़ कर रहा है, एक मिनट, इसको बच्चों दो मिनट बाद में देखते हैं, ठीक है। एक बार ये क्लियर करके चलते हैं, अभी टाइम थोड़ा लग रहा है तो मैं उसको वेस्ट नहीं करना चाहता, दो चार क्वेश्चंस एक्स्ट्रा हो जाएंगे। तो सिचुएशन ये थी कि हमारे पास ये एंगल ऑफ इंसिडेंस आई है, रे ये जा रही है और हमारे पास इमरजेंट रे इसी के पैरेलल है। अब ये एंगल हमारे पास इधर से जो एंगल ऑफ इमरजेंस है ई है, वो कितना होगा? 90 माइनस आई। इसको प्रूफ करने का आसान तरीका जो मैं कोशिश करूंगा, मेरे पास क्या होता है, आई प्लस ई इज इक्वल टू, वो होता है ए प्लस डेल्टा। यस, इससे बढ़िया से मस्त प्रूव हो रहा है। एंगल ऑफ डेविएशन मेरे पास कितना है इस बार? जीरो। तो आई प्लस ई इज इक्वल टू ए प्लस डेल्टा, डेल्टा हो गया जीरो। तो आई प्लस ई इज इक्वल टू ए, मुझे 90 दे रखा है, तो ई की वैल्यू मेरे पास बन जाएगी 90 माइनस आई। तो बिना ज्योमेट्री के मैं इसे प्रूव कर रहा हूँ, सीधा फॉर्मूला यूज करते हुए, ई इज इक्वल टू 90 माइनस आई, ई इज इक्वल टू 90 माइनस आई, राइट। अब हमने सिर्फ डायग्राम ड्रॉ किया, क्वेश्चन को सॉल्व करना भी शुरू नहीं किया,
तो इस केस में बच्चों वो मैं डायग्राम पे लिख चुका हूं, थोड़ी जगह बनाने के लिए इसको इरेज करूंगा। ओके, अब मैं बार बार स्नेल्स लॉ अप्लाई करूंगा हर एक फेस के ऊपर। पहले फेस से शुरू करते हैं, लाइट ए से गई, ए की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 है, मल्टीप्लाई बाय साइन आई। उसके बाद यहाँ पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एन 1 इंटू साइन आर 1। उसके बाद आर 2 के लिए क्या होगा, एन 1 इंटू साइन आर 2, और इस तरफ क्या हो जाएगा, एन 2 इंटू साइन आर 3, राइट। इस फेस के लिए एन 2 इंटू साइन आर 4, दिस इज इक्वल टू, यहां पे इस फेस के लिए आ जाइए आर 4 के बाद यहां पे एन 3 इंटू आर 5, एन 3 इंटू साइन आर 5, आखिर में आर 6 के लिए एन 3 इंटू आर 6, यानी कि एन 3 इंटू साइन आर 6, और बाहर आ गए तो इफेक्टिव इंडेक्स 1 इंटू साइन ऑफ ई, यानी कि साइन ऑफ 90 माइनस आई, साइन ऑफ 90 माइनस आई मीन्स कॉस आई हो जाएगा। तो ये मेरे पास हो जाएगा कॉस आई इज इक्वल टू एन 3 साइन आर 6, राइट। यहां तक हो गया। अब यहां पे गेम में एक छोटा सा ट्विस्ट है, हम लोग इस प्रॉपर्टी को बार बार यूज करने वाले हैं कि आर 1 प्लस आर 2 विल बी 90 डिग्री। हमारे पास तीनों के तीनों प्रिज्म राइट एंगल प्रिज्म दे रखे हैं, तो यानी कि यहाँ पर आर 1 प्लस आर 2 90 है, यानी कि इसे मैं लिख सकता हूँ साइन 90 माइनस आर 1, राइट। यहाँ पर आर 3 प्लस आर 4 का सम 90 होगा, तो मैं इसको इधर लिख सकता हूँ एन 2 इंटू साइन 90 माइनस आर 3, परफेक्ट। यहाँ पर आर 5 एंड आर 6 का सम होगा, तो यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ आर 5, ये आर 6 दो बार आ रहा है, कुछ गड़बड़ तो नहीं हुई, अच्छा इसको सॉल्व किया हुआ है, ठीक है। तो ये मेरे पास बनेगा एन 3 इंटू साइन 90 माइनस आर 5, यानी कि ये कॉस बन जाएगा एन 3 कॉस आर 5। एक्चुअली इसको भी सॉल्व करोगे तो ये बनेगा कॉस आर 3, इसको भी सॉल्व करोगे तो ये बनेगा कॉस आर 1। तो आपको सभी इक्वेशन में एक बार साइन और एक बार कॉस दिखाई दे रहा होगा, पहली इक्वेशन में साइन आर 1 है, सेकेंड इक्वेशन में कॉस आर 1 है, थर्ड इक्वेशन में इधर कॉस आर 3 है, और इधर ये इक्वेशन नंबर 3 हो गई, और यहाँ पे फोर्थ इक्वेशन में मेरे पास कॉस आर 5 है। ऐसे मैं क्यों कर रहा हूँ, मेरा पर्पस क्या है कि इनको स्क्वेयर करके ऐड कर दूँ, राइट, स्क्वेयर करके ऐड कर दूँ, ताकि मेरे पास साइन स्क्वेयर आई प्लस कॉस स्क्वेयर आई 1 बनते चले जाएं। चलिए ट्राई करते हैं, मैं क्या कर रहा हूँ, इक्वेशन नंबर 1 का स्क्वेयर, 2 का स्क्वेयर, 3 का स्क्वेयर और 4 का स्क्वेयर, इन चारों को ऐड कर रहा हूँ, राइट। जब ऐड करूंगा इधर क्या बनेगा, साइन स्क्वेयर आई, आई विल राइट डाउन साइन स्क्वेयर आई प्लस यहाँ पे सेकंड में क्या बनेगा एन 2 साइन स्क्वेयर आर 3 प्लस एन 2 कॉस स्क्वेयर आर 3 प्लस कॉस स्क्वेयर आई, और दूसरी तरफ क्या बनेगा, इधर शुरू यहां से करेंगे एन 1 साइन स्क्वेयर आर 1 प्लस एन 1 नहीं स्क्वेयर भी आएगा, यहां पे भी स्क्वेयर मिस हो गए, एन 1 स्क्वेयर कॉस स्क्वेयर आर 1 प्लस एन 3 स्क्वेयर साइन स्क्वेयर आर 5 प्लस यहाँ पे एन 3 स्क्वेयर कॉस स्क्वेयर आर 5, राइट बच्चों। मेरा ध्यान थोड़ा बोर्ड की तरफ ज्यादा है, लिखने में ध्यान ज्यादा है, थोड़ा काम कैलकुलेटिव है, राइट। तो अब देखो यहाँ पर ये कितना बन जाएगा एन 3 स्क्वेयर, ये बन जाएगा एन 1 स्क्वेयर, यहाँ पर ये बन जाएगा एन 2 स्क्वेयर, इन दोनों को ऐड करोगे तो ये बन जाएगा 1।
तो हमारे पास क्या बचेगा, इधर 1 प्लस एन टू स्क्वेयर इज इक्वल टू एन वन स्क्वेयर प्लस एन थ्री स्क्वेयर। तो ये हमारा फाइनल आंसर बन जाएगा, विच मीन्स दैट ऑप्शन डी शुड बी रिक्वायर्ड आंसर, राइट। अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या है, ए लेंस ऑफ फोकल लेंथ एफ इज प्लेस इन बिटवीन एन ऑब्जेक्ट एंड स्क्रीन फिक्स एट ए डिस्टेंस डी, द लेंस फॉर्म्स टू रियल इमेजेस ऑफ ऑब्जेक्ट ऑन द स्क्रीन फॉर टू ऑफ इट्स डिफरेंट पोजिशंस। तो क्वेश्चन हमारे पास क्या है कि हमारे पास एक स्क्रीन और एक ऑब्जेक्ट की पोजिशन फिक्स है, दिस इज ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट और स्क्रीन की पोजीशन हमारे पास क्या है, फिक्स्ड है, और यहाँ पर लेंस की ऐसी दो पोजीशंस हैं जिसके लिए हमारे पास क्या बनेगी, रियल इमेज बनेगी, और इन दो लेंस की पोजीशंस के बीच का डिस्टेंस कितना है हमारे पास, एक्स। ये गिवन है कि ऑब्जेक्ट और स्क्रीन के बीच का डिस्टेंस हमारे पास डी है। दिस इज क्वेश्चन That may have more than one correct answers, right? तो try करते हैं, ये हमारे पास डिस्टेंस d है, हमें इसे क्वेश्चन में ये सारी ऑप्शन चेक करनी है, हमें दो रियल इमेजेस के लिए मैग्निफिकेशन मैंशन की गई है, दिस इज m1 वन एंड एम टू, हमारा आंसर m1, m2, एम टू एक्स एंड डी की टर्म्स में आएगा, और दो बार तो फोकल लेंथ ही फाइंड आउट की गई है, तीसरी बार फोकल लेंथ एंड डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जेक्ट एंड स्क्रीन की बात की गई है, एंगल, ठीक है, राइट। चलिए शुरू करते हैं, पहले ये समझिए, सिर्फ फर्स्ट पोजीशन को देखिए, एल वन पोजीशन को देखिए, एल वन पोजीशन के लिए ये डिस्टेंस यू होगा और इधर से ये डिस्टेंस मेरे पास बच्चों वी हो जाएगा, यू एंड v हो जाएगा। अब u प्लस वी मेरे पास कितना होगा, u प्लस वी मेरे पास होना चाहिए d। अब जब दूसरी बार रियल इमेज बनेगी, यानी कि जब मेरे पास लेंस l2 पोजीशन में आएगा, उस समय उल्टा हो जाएगा, मींस ऑब्जेक्ट यहाँ पे है, ये लेंथ v हो जाएगी और ये लेंथ है u हो जाएगी, ठीक है। तो इस केस में अगर मैं डायग्राम देखूं तो v माइनस यू की वैल्यू मेरे पास कितनी हो जाएगी, v माइनस यू इज गोइंग टू बी x, दिस इज इक्वेशन नंबर टू। अब मैं इन दोनों इक्वेशंस को यूज करते हुए u एंड v की वैल्यू फाइंड आउट कर लूंगा, इन दोनों को मैं ऐड करूंगा, तो मेरे पास ऐड करने से 2v इज इक्वल टू d प्लस x, यानी कि v की वैल्यू d प्लस x बाय टू, एंड सिमिलरली u की वैल्यू मेरे पास कितनी बन जाएगी, d माइनस एक्स बाय टू बन जाएगी। वी गॉट v एंड वी गॉट वैल्यू ऑफ u। अगर v एंड u मेरे पास आ जाए तो क्या मैं फोकल लेंथ फाइंड आउट कर सकता हूँ, फोकल लेंथ के लिए फॉर्मूला क्या रहेगा, माइनस वन बाई यू प्लस वन बाई वी इज इक्वल टू वन बाय एफ, ये हो जाएगा u नेगेटिव में आएगा रियल ऑब्जेक्ट के केस में, तो यहाँ पर माइनस ऑफ d माइनस x हो जाएगा, v मेरे पास है d प्लस x बाय टू, और फोकल लेंथ मुझे कैलकुलेट करनी है, ये माइनस माइनस कट जाएगा, एलसीएम लूँगा तो ये डी स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर, यहाँ पे 2 कॉमन, d प्लस x प्लस d माइनस x इज इक्वल टू 1 बाई एफ, ये x से x कट गया तो फोकल लेंथ की वैल्यू बन जाएगी d स्क्वेयर माइनस x स्क्वेयर बाय 4d, दिस इज फोकल लेंथ ऑफ द लेंस। क्या कोई ऐसी ऑप्शन है, यस वी हैव d स्क्वेयर माइनस x स्क्वेयर बाय 4d, हमें फोकल लेंथ मिल गई, बट प्रॉब्लम क्या है, क्वेश्चन इज मोर देन वन करेक्ट, और इसमें एक ऑप्शन और दे रखी है, वो है f की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ m1 एंड m2। पहले m1 m2 को समझने क्या होगा, हमने अभी बात की कि जब ये ऑब्जेक्ट इधर पड़ा है, लेंस पोजीशन l1 पे है, तो इमेज का डिस्टेंस कितना होगा v, क्योंकि पहले केस में मैग्निफिकेशन क्या बनेगी, v बाय u। दूसरे केस में क्या होगा, दूसरे केस में पोजीशन इधर आ जाएगी, तो ये u की जगह v आ जाएगा और v की जगह u आ जाएगा, यानी कि इस केस में क्या बन जाएगा,
बोलो भैया, यू बाय वी, यानी कि एम वन इंटू एम टू लिखूंगा तो ये मेरे पास यू बाय वी इंटू वी बाय यू, ये मेरे पास हो जाएगा वन, यानी कि दोनों की मैग्निफिकेशन, दो लीनियर मैग्निफिकेशन का प्रोडक्ट वन रहेगा, यानी कि ये ऑप्शन भी मेरे पास सही है। तो दो ऑप्शन मेरे पास सही हो चुकी हैं, बट मुझे बाकी की दो ऑप्शन भी बच्चों यहाँ पर चेक करनी पड़ेंगी। वोकल लेंथ भी मुझे चेक करनी पड़ेगी इन टर्म्स ऑफ एम वन एंड एम टू। मैं ज़्यादा दिमाग लगाने की जगह सीधा इसी में इस ऑप्शन ए को चेक करने के लिए इधर ही वैल्यू पुट कर दूंगा। वोकल लेंथ की ये वैल्यू ऑप्शन सी हमारी पहले से आ चुकी है, मुझे स्लाइड को इरेज करना पड़ेगा। चलिए शुरू करते हैं। वोकल लेंथ की कैलकुलेशन के लिए मैं लिखूंगा एक्स अपॉन एम वन माइनस एम टू। मैं कोशिश करूंगा ये चेक करने की कि क्या ये वैल्यू इसके बराबर आ पाती है या नहीं, राइट। और मेरे पास एम वन की वैल्यू क्या थी, एम वन थी वी अपॉन यू, ज़्यादा वाली वैल्यू लिख लें तो ये कम वाली वैल्यू लिख लो यू बाय वी, ठीक है। इसका टेंशन नहीं लेना, बस आपको ज़्यादा माइनस कम वाली वैल्यू करनी है। ये था डी प्लस एक्स अपॉन डी माइनस एक्स। आपको अपने नोट्स रेफर करने पड़ेंगे बच्चों, मैंने अभी अभी इसको याद कर लिया था। देखो कैसे आया था, जितना मुझे याद है वी आया था डी प्लस एक्स बाय टू और यू आया था हमारे पास डी माइनस एक्स बाय टू। जब मैं डिवाइड करूंगा तो टू दोनों तरफ से कैंसिल आउट हो जाएगा, क्लियर। तो अब यहाँ पर ये क्या हो गया, एक्स इंटू डी माइनस एक्स इंटू डी प्लस एक्स डिवाइडेड बाय, यहाँ पर आपको एलसीएम लेके क्रॉस मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो मुझे लगता है ये बचेगा फोर डी एक्स। कैलकुलेशन चेक कर लीजिए। तो f की वैल्यू हम लोग सॉल्व कर रहे हैं, यहाँ पर मेरे पास बचेगा x इंटू डी स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर अपॉन फोर डी एक्स। ये x और x कट जाएगा तो फोकल लेंथ की वैल्यू मेरे पास बनेगी डी स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर अपॉन फोर डी, तो दिस विल बी फोकल लेंथ। ये भी परफेक्ट है। तो तीन ऑप्शन तो हमारी मैच कर चुकी हैं, बट प्रॉब्लम क्या है, फोर्थ ऑप्शन। फोर्थ ऑप्शन को आप डायरेक्टली भी ध्यान में रख सकते हो, वो कैसे। देखो बेटा, ये एक स्टैंडर्ड रिजल्ट होता है कि अगर आपको रियल इमेज बनानी है तो ऑब्जेक्ट एंड स्क्रीन के बीच में कम से कम डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट एंड स्क्रीन के बीच में कम से कम डिस्टेंस 4f होना चाहिए। इससे कम डिस्टेंस से आप रियल इमेज ऑब्टेन नहीं कर सकते। चाहो तो आप इसे मैथमेटिकली प्रूव कर सकते हो यहाँ पर भी, बट इट कैन बी रिमेंबर्ड एज अ स्टैंडर्ड रिजल्ट, राइट, दैट विल बी गुड आइडिया। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये थोड़ा सा क्वेश्चन बोरिंग हो जाएगा, ये बढ़िया है, कंसेप्चुअल क्वेश्चन रहेगा हमारे पास। क्वेश्चन हमारे पास क्या है, ए रे ऑफ लाइट गेट्स रिफ्लेक्टेड सक्सेसफुली फ्रॉम टू प्लेन मिरर्स विच आर म्यूचुअली इंक्लाइंड। दो प्लेन मिरर्स एक दूसरे के ऊपर इंक्लाइंड हैं, ठीक है। दो प्लेन मिरर्स एक दूसरे के ऊपर इंक्लाइंड हैं, से दीज टू आर इंक्लाइंड एट एन एंगल थीटा। एंगुलर डेविएशन सफर्ड बाय द रे, एक रे हमने इंसिडेंट की, किसी भी एंगल पे इंसिडेंट की, उसकी डेविएशन कौन से फैक्टर पे डिपेंड करेगी, राइट। तो मैं मान लेता हूँ कि ये है मेरे पास रे इंसिडेंट की गई, ये हो गया एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये हो गया एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, एंड एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो अब यहाँ पर ये ड्रॉ कर लिया मैंने नॉर्मल, ये एंगल हो गया आर, लिख लेते हैं, कुछ भी लिख लो आर लिख लो। ये यहाँ से रिफ्लेक्ट बैक हो गई, ये भी एंगल मेरे पास आर हो गया, यानी कि ये लाइट, ये रे दो बार रिफ्लेक्ट हो रही है और दो बार डेविएशन आ रही है। जब भी प्लेन मिरर से रिफ्लेक्शन होती है तो डेविएशन का फॉर्मूला होता है 180 माइनस टू आई, वे आई रिप्रेजेंट एंगल ऑफ इंसिडेंस। तो पहले केस में एंगल ऑफ इंसिडेंस आई था, तो डेविएशन कितनी आएगी, 180 माइनस टू आई। दूसरे केस में डेविएशन, देखो बेटा डेविएशन एक ही डायरेक्शन में है, एक ही डायरेक्शन का मतलब है कि रे ऐसे
रे इस तरह से घूम रही है, कौन सी डायरेक्शन में है, एंटी क्लॉकवाइज घूम रही है। अगर ये बीच में कहीं क्लॉकवाइज घूमती तो आपको उस डेविएशन को माइनस करना पड़ता, बट क्योंकि सेंस सेम है इसलिए हम लोग यहाँ पे प्लस करेंगे। सेकंड केस में कितना हो जाएगा, 180 माइनस 2R, यहाँ पे मेरे पास बनेगा 360 माइनस 2 टाइम्स I प्लस R, दिस इज एंगल ऑफ डेविएशन, राइट। अब I प्लस R की वैल्यू थोड़ी सी हमें इस डायग्राम से देखनी पड़ेगी कि इसको क्या मैं लिख सकता हूँ इन टर्म्स ऑफ एंगल बिटवीन टू मिरर्स। देखो बच्चों, ये एंगल कितना होगा 90 माइनस I, ये एंगल भी कितना होगा 90 माइनस R, तो मैं ये लिख सकता हूँ थीटा प्लस 90 माइनस I प्लस 90 माइनस R इज इक्वल टू 180 डिग्री, यानी कि थीटा इज इक्वल टू I प्लस R, थीटा इज इक्वल टू I प्लस R, यानी कि 360 माइनस 2 टाइम्स थीटा, यानी कि जो एंगल ऑफ डेविएशन है बच्चों वो सिर्फ किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, इट डिपेंड्स अपॉन एंगल बिटवीन टू मिरर्स, एंगल बिटवीन टू मिरर्स, इट डज नॉट डिपेंड अपॉन, ये डिपेंड नहीं कर रहा कि किस एंगल पे लाइट को इंसिडेंट किया गया। इज इट इक्वल टू एंगल बिटवीन टू मिरर्स, गलत। डज नॉट डिपेंड अपॉन एंगल ऑफ इंसिडेंस, बिल्कुल सही। इट डज नॉट डिपेंड अपॉन एंगल ऑफ इंसिडेंस, ठीक है, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एंगल बिटवीन टू मिरर्स। भाई ये 180 माइनस 2 थीटा है, अब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कहना पता नहीं कितना जायज है। इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये तो गलत हो गया, ठीक है। तो सिंगल करेक्ट आंसर है, तो बेस्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी। लीजिए अगला क्वेश्चन है बच्चों आप लोगों के लिए, अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या है, टू थिन कॉन्वेक्स लेंसेज L1 एंड L2 हैविंग फोकल लेंथ 30 सेंटीमीटर एंड 60 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली आर प्लेस कोएक्सियली एज शोन इन फिगर। तो दो लेंसेज है, फोकल लेंथ गिवन है, डिस्टेंस इनसेस सब गिवन है, राइट। सिंपल सा क्वेश्चन है, हमसे कहा गया है कि लाइट जो है इट ओरिजिनेट्स फ्रॉम पॉइंट O, पर हमें देखना है कि इसकी फाइनल इमेज कहाँ बनेगी, फाइनल इमेज कैसे चेक करनी है। पहले लाइट गई L1 से L2 में, इस लेंस से इसमें, उसके बाद रिफ्लेक्शन हुई, रिफ्लेक्शन के बाद वापस यहाँ पे, उसके बाद वापस यहाँ पे, स्टेप्स काउंट करो, रिफ्लेक्शन 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 रिफ्लेक्शन, फिर हमें फाइनल इमेज ढूंढनी है। तो देखने में क्वेश्चन कैलकुलेटिव लग रहा है, बट शायद इतना होना। चलिए पहले लेंस से शुरुआत करते हैं, फॉर्मूला होगा -1/u + 1/v = 1/f, यू की वैल्यू कितनी हो जाएगी -45, वी मुझे ढूंढना है, और पहले केस में कन्वेक्स लेंस है, फोकल लेंथ पॉजिटिव होगी, प्लस 30 दे रखी है, तो 1/v कितना हो जाएगा 1/30 -1/45, एलसीएम हो जाएगा 93 -2, यानी कि वी की वैल्यू मेरे पास 90 सेंटीमीटर आ जाएगी। यानी कि पहले लेंस में से लाइट पास करने के बाद इमेज 90 सेंटीमीटर पे बनेगी, यानी कि दूसरे लेंस के ऊपर इमेज बनेगी। अब यहाँ पे अगर इमेज बन रही है तो ये रे सीधी निकल जाएगी। अब सामने क्या आ गया, प्लेन मिरर आ गया, प्लेन मिरर इन रेस को क्या करेगा, रिफ्लेक्ट करेगा, प्लेन मिरर इन रेस को रिफ्लेक्ट करेगा, और इसकी जो वर्चुअल इमेज है यहाँ पर मिरर के बिहाइंड 90 सेंटीमीटर के ऊपर ही बनेगी, राइट बच्चों, ये इमेज 90 सेंटीमीटर के ऊपर ही बनेगी। अब ध्यान से, लाइट यहाँ से रिफ्लेक्ट हो चुकी है, L2 का कोई रोल ही नहीं रहा, क्योंकि L1 की जो इमेज है वो L2 के सेंटर के ऊपर बन गई है, L2 का कोई रोल ही नहीं रहा। तो ऑप्टिक्स में से क्वेश्चन आता ही है बेटा, छोड़ना क्यों है, अगर बिल्कुल भी नहीं पढ़ा हुआ तो छोड़ दो, अदरवाइज आई विल रिकमेंड
ये कर लो, अगर आपने थ्योरी व्योरी पढ़ रखी है तो कर लो, ठीक है। कोई बहुत मुश्किल नहीं है टॉपिक, बेसिक्स तो कर लो, क्या पता अच्छी किस्मत हो तो आसान क्वेश्चन आ जाए, क्या दिक्कत है। अब ये हो गया 90 प्लस 90 180। अब मेरे पास इस लेंस एल टू के लिए ऑब्जेक्ट 180 सेंटीमीटर पे पड़ा हुआ है, राइट। तो मैं ऑब्जेक्ट को 180 सेंटीमीटर पे रख के देखता हूँ इमेज कहाँ बनेगी। इस लेंस के लिए फोकल लेंथ कितनी दे रखी है, 60 दे रखी है। तो 1/V इज इक्वल टू 1/60 माइनस 1/80। तो ये मेरे पास एलसीएम हो गया 180, 3 माइनस 1, यानी कि वी की वैल्यू मेरे पास आ गई 90 सेंटीमीटर। वी कम्स आउट 90 सेंटीमीटर। इसका मतलब जो रेस यहाँ से चल रही हैं, ये रेस की फाइन इन रेस की फाइनल इमेज यहीं पे बनेगी, इस लेंस के सेंटर पे। देखो, इस लेंस से 90 सेंटीमीटर पे, यानी कि L1 पे ही फाइनल इमेज बन जाएगी, क्लियर। देखो, जब हमने क्वेश्चन शुरू किया तो हमें चिंता थी रिफ्लेक्शन। 5 स्टेप में क्वेश्चन करना पड़ेगा, बट क्वेश्चन बनाया इस तरीके से गया है कि सिर्फ 3 बार करना पड़ा। इस रिफ्लेक्शन से इमेज यहाँ पे बन गई, इस लेंस को सॉल्व नहीं करना पड़ा, फिर रिफ्लेक्शन हुई, इस रिफ्लेक्शन से फिर रिफ्लेक्शन सॉल्व की और इमेज यहाँ पे बन गई। अब L1 की रिफ्लेक्शन को सॉल्व करना नहीं पड़ेगा, तो फाइनल इमेज विल फॉर्म एट द L2। एक्चुअली शब्द यहाँ पे पोल लिखा गया है, पोल शब्द लेंस के लिए तो यूज नहीं होता। लेंस के लिए क्या शब्द यूज होता है, लिख के बताओ मुझे, चैट में लिख के बताओ, लेंस में पोल की जगह पे हम क्या शब्द यूज करते हैं। आपके पास है रेडियस ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर, ऑप्टिकल सेंटर, क्या शब्द यूज करते हैं लिख के बताओ, राइट। बढ़िया, आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या है, एक स्मॉल फिलामेंट है जिसको कि एक हॉलो ग्लास स्फीयर के सेंटर पे रखा गया है, उसका इनर रेडियस 8 सेंटीमीटर है और आउटर रेडियस 9 सेंटीमीटर दे रखा है। एक्चुअली ए पॉइंट यहाँ पे है, डायग्राम अप टू मार्क नहीं है, बी पॉइंट यहाँ पे है, राइट। इसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स गिवन है और हमें कैलकुलेट करनी है पोजिशन ऑफ द इमेज। तो बच्चों, क्वेश्चन इस प्रकार से है कि ये हमारे पास होलोस्फीयर है, ऑब्जेक्ट यहाँ पे पड़ा है, रेज यहाँ से चलेगी। तो पहले केस में रिफ्लेक्शन इस स्फेरिकल सरफेस से होगी, P1 विल स्टैंड फॉर पोल, ठीक है, फॉर द फर्स्ट रिफ्लेक्शन। तो स्फेरिकल सरफेस पे रिफ्लेक्शन का फॉर्मूला -μ1/u + μ2/v इज इक्वल टू μ2 - μ1/r होगा। पहले केस में एयर से रिफ्रैक्शन हो रही है, लाइट एयर से जा रही है और ये डिस्टेंस मेरे पास कितना है, 8 सेंटीमीटर। तो u की वैल्यू -8 हो जाएगी। ग्लास है, ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 दे रखी है, 1.5 माइनस 1 अपॉन रेडियस ऑफ कर्वेचर का साइन कन्वेंशन हमारे पास क्या आएगा भाई, ये पोल है, रे इधर जा रही है, रेडियस ऑफ कर्वेचर इस तरफ मेजर किया जाएगा, ये सेंटर होगा तो ये रेडियस ऑफ कर्वेचर भी होगा, तो अपोजिट एक्शन में मेजर किया जाएगा, तो ये -8 हो जाना चाहिए। 1.5 अपॉन वी इज इक्वल टू, ये हो गया -1/16, यस, -1/8, ये हो गया 16 माइनस 3, ये हो गया 3/2 वी, ये 3 से 3 कट गया और v की वैल्यू मेरे पास आ गई -8 सेंटीमीटर, है कमाल ही होगी यार, दिस कम्स आउट -8 सेंटीमीटर। -8 सेंटीमीटर का मतलब होगा कि यहीं पे इमेज बनेगी, वेरी सरप्राइजिंग, इस ऑब्जेक्ट की इमेज यहीं पे बनेगी, -8 का मतलब इसी तरफ होएगा, यानी कि इसकी इमेज यहीं पे बनेगी, राइट। अब दूसरे सरफेस के लिए यहाँ पे रिफ्लेक्शन देखेंगे, P2 पॉइंट पे रिफ्लेक्शन देखेंगे। P2 पॉइंट के लिए बेटा अब ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा, 9 सेंटीमीटर। बट ध्यान से, इस बार रे कुछ यहाँ से ऐसे आ रही है, ठीक है,
रे कौन से मीडियम से आ रही है? डेंसर मीडियम से। ठीक है, ये ध्यान रखना कि आपने ये नहीं देखना कि जो इमेज है वो 8 सेंटीमीटर पे बनी है, 8 सेंटीमीटर तो एयर में है। नहीं बेटा, आपको इस सरफेस पे रिफ्रैक्शन देखनी है, पर इस सरफेस के लिए लाइट कहाँ से आ रही है? ग्लास से आ रही है। तो आपको यहाँ पर ये मान के चलना पड़ेगा कि ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड इन ग्लास, यानी कि जब मैं ये फॉर्मूला अप्लाई करूँगा तो म्यू वन मेरे लिए ग्लास की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगी और म्यू टू मेरे लिए एयर की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगी। लाइट ग्लास से एयर में जा रही है तो मैं म्यू वन को ग्लास की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मान के चलूँगा। यू इस बार ऑब्जेक्ट कहाँ पड़ा है? देखो बच्चों, ये पी वन से लेके ओ तक का डिस्टेंस था 8, बट क्योंकि अब रिफ्रैक्शन पी टू से देखनी है तो पी टू तक के लिए ये डिस्टेंस यू 9 सेंटीमीटर हो जाएगा। मैं लिखूँगा यहाँ पर -9। वी मुझे ढूंढना है, 1 - 1.5 रेडियस ऑफ कर्वेचर होगा, इससे पिछली बार तरीका लगेगा तो -9 हो जाएगा। तो 1/v इज इक्वल टू, ये हो गया 1/18, ये हो गया -1/9। चेक करना कैलकुलेशन, ये हो गया -0.5, माइनस माइनस कट गया, +1/18। यहाँ पर कुछ गड़बड़ है, ये मैंने 1.5 नहीं लिखा। 1/v इज इक्वल टू 1/18 -3/18। 1/v इज इक्वल टू -2/18, यानी कि v कम्स आउट -9 सेंटीमीटर। -9 सेंटीमीटर, तो इसका मतलब मुझे इमेज -9 सेंटीमीटर पे, यानी कि वंस अगेन सेंटर पे ही मिलेगी, यानी कि -9 सेंटीमीटर शुड बी रिक्वायर्ड आंसर। -9 सेंटीमीटर शुड बी रिक्वायर्ड आंसर, राइट। चलिए आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन और आज के सेशन का बच्चों ये आखिरी क्वेश्चन रहेगा, शुरू करेंगे। क्वेश्चन हमारे पास क्या है? टू कॉन्केव रिफ्रैक्टिंग सरफेस ऑफ इक्वल रेडियाई ऑफ कर्वेचर एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 फेस ईच अदर इन एयर एज शोन इन फिगर। ए पॉइंट ऑब्जेक्ट ओ इज प्लेस, यहाँ कहीं रखा गया पॉइंट ऑब्जेक्ट ओ एट ए डिस्टेंस r/2, ये डिस्टेंस r/2 है, नॉट क्लियरली शोन इन डायग्राम। ठीक है, वट इज द सेपरेशन बिटवीन इमेजेस ऑफ ओ फॉर्म्ड बाई ईच रिफ्लेक्टिंग सरफेस। तो पहले इस तरह से इमेज बनाएंगे, फिर इधर से इमेज बनाएंगे, फिर उन इमेजेस के बीच का डिस्टेंस देखेंगे। तो क्वेश्चन सिंपल है, कोई खास काम नहीं करना, दो बार रिफ्लेक्शन एट स्फेरिकल सरफेस अप्लाई करनी है। -μ1/u +μ2/v इज इक्वल टू μ2 - μ1/r। हम ए सरफेस के लिए शुरू करते हैं। ए सरफेस के लिए ऑब्जेक्ट तो एयर में पड़ा है, ये टोटल डिस्टेंस देखो कितना था, 2r मेंशन था। देखो बेटा, आई थिंक सो इट इज नॉट मेंशन इन क्वेश्चन, नॉट क्लियर, दिस इज 2r, ये सेंटर है दोनों का और यहाँ पे ये ऑब्जेक्ट पड़ा है एट ए डिस्टेंस r/2। तो ए पॉइंट से ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस 3r/2 हो जाएगा, क्योंकि ऑब्जेक्ट एयर में पड़ा है और रियल ऑब्जेक्ट है, एयर में पड़ा है तो μ1 हो जाएगा और u की वैल्यू r+r/2 यानी कि 3r/2 हो जाएगी। यहाँ पे हम ग्लास के अंदर जा रहे हैं, v ढूंढ रहे हैं, 1.5 - 1/r। रेडियस ऑफ कर्वेचर के लिए साइन कन्वेंशन क्या आएगी? देखिए यहाँ पर ये पोल है, पोल से सेंटर ऑफ कर्वेचर इधर है और रे ऑफ लाइट इधर जाएगी, रे ऑफ लाइट और जो हमें डिस्टेंस मेजर करना है दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है, इसलिए साइन कन्वेंशन के हिसाब से ये माइनस आना चाहिए। ये 2/3r हो जाएगा +1.5/v, ये हो गया 0.5 1/2 -1/2r। यहाँ से इसको सिंप्लीफाई करेंगे, 1.5/v इज इक्वल टू -1/2r -2/3r,
ये एलसीएम हो गया 6R माइनस 3 माइनस 4, थोड़ा अजीब सा भी आ रहा है, डर भी लग रहा है, गंदे से आंसर मेरे को बिल्कुल भी पसंद नहीं है। तो ये यहाँ पे कट गया 3 और V की वैल्यू मेरे पास आ गई माइनस 9/7 सेंटीमीटर, राइट। माइनस का मतलब क्या होगा? माइनस का मतलब बच्चों कहाँ पे इमेज बनेगी, और इसी डायग्राम साफ सुथरी कर रहा हूं, माइनस का मतलब इमेज कहाँ बनेगी भाई साहब, बोलो। यहां कहीं 7 आर मिसिंग है यार, ये आर, तो 9/7 आर का मतलब समवट हियर, ठीक है, यहां पे फर्स्ट इमेज बननी चाहिए। ये हो गया ए के लिए, लेट अस ट्राई फॉर बी। फॉर बी यही फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, बट बी में ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस कितना हो जाएगा, r/2, और ऑब्जेक्ट अभी भी एयर में पड़ा हुआ है, ठीक है। यही फॉर्मूला मैं दोबारा से अप्लाई करूंगा, लाइट जा रही है ग्लास में, ग्लास की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 1.5, ठीक है, रेस्ट एवरीथिंग विल रिमेन सेम। आर इस बार भी नेगेटिव आएगा, इस बार आपके पास जो पोल है वो ये वाला लिया जाएगा, तो रे ऑफ लाइट इधर जाएंगी और पोल से सेंटर ऑफ कर्वेचर तक का डिस्टेंस उससे अपोजिट डायरेक्शन में होगा, तो ये माइनस हो जाएगा। अगर मेरी कैलकुलेशन में कोई गड़बड़ ना हो तो हमारा आंसर पक्का से बन जाएगा, ये बन गया -1/2R, ये परफेक्ट है। अब यहाँ पे कितना आएगा, 1.5/V इज इक्वल टू -1/2R -2/R, तो ये हो गया 2R, ये हो गया -1 -4, तो V की वैल्यू मेरे पास बन गई 3R/5 विद अ नेगेटिव साइन। 3R/5 हमारे पास कितना बनेगा, 3R/5 0.6R, ये था 0.5R, 0.6R यहां से बनेगा, ये बन गया 0.6R, ठीक है, नेगेटिव साइन में तो यही 0.6R बनेगा। और दूसरा हमारा ये कितना था, ये चेक कर लेते हैं बेटा, 9/7 है तो -1.20 बचा, तो अप्रोक्सीमेशन में 3 मान लेता हूँ, -1.3R, तो 1.3R ये R था, तो ये 1.3R यहाँ पे हो गया, यानी कि ये दो इमेजेस बन गई, ये A की इमेज है और इस तरफ ये मेरे पास B, ये B की इमेज बन गई, राइट। ये डिस्टेंस मेरे पास कितना है भाई साहब, ये रहा 1.3R, माइनस साइन नहीं देखना, और ये डिस्टेंस कितना है भाई साहब मेरे पास 0.6R, माइनस साइन नहीं देखना, और टोटल डिस्टेंस कितना था 2R, और मुझे ये वाला डिस्टेंस ढूंढना है, मुझे इस x को ढूंढना है, तो क्या मैं लिख सकता हूं x + 0.6R + 1.3R = 2R, यानी कि x = 0.1R अप्रोक्सीमेशन में आएगा ये आंसर, क्योंकि मैंने यहाँ पर थोड़ी सी अप्रोक्सीमेशन लगाई थी, मैंने ये वैल्यू थोड़ी सी बढ़ा के लिखी थी, बढ़ा के लिखी थी तो ये वैल्यू थोड़ी ज़्यादा थी, तो ये वैल्यू मेरी एक्चुअली थोड़ी सी कम आई है, एक्चुअल आंसर इससे थोड़ा सा ज़्यादा आएगा, जिसका मतलब मेरा सही आंसर 0.114R हो जाना चाहिए, राइट बच्चों। चलिए इसी के साथ हम अपना आज का सेशन यहाँ पे ख़त्म करते हैं, आप लोग ऑप्टिक्स अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिए, कोई डाउट्स हो मेरे को भेजिए, आई विल सेंड सॉल्यूशन इन योर ग्रुप। नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब, बाय।